नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पे हम लेकर आए एक और धमाकेदार क्लास जी हां जैसे कि आपको पता है कि हम नर्वस सिस्टम के बारे में यहां पे पढ़ रहे थे और नर्वस सिस्टम की डिजीज़ कंडीशन को हम डिस्कस कर रहे थे नर्वस सिस्टम की डिजीज कंडीशन में जो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने जो जो बीमारी पड़ी है एक बार उसको हम रिव्यू करके और फिर इस सेशन को आगे फॉरवर्ड करते हैं तो जो बीमारी हमने ऑलरेडी डिस्कस की है उसमें एक तो इंजुरी वाली बीमारी हमने पड़ी जिसको हेड इंजुरी और ब्रेन इंजुरी के नाम से हमने बोला और जिसका सीधा संबंध रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से था हेड इंजुरी और ब्रेन इंजुरी के बाद में अगला जो बीमारी हमने पड़ा था वो ब्लड सप्लाई का प्रॉब्लम था और उस ब्लड सप्लाई की दिक्कत को हमने बोला सैरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट सीवीए या इसी को हमने बोला ब्रेन अटैक या ब्रेन स्ट्रोक ब्लड सप्लाई की बीमारी के बाद में अगला बीमारी हमने करंट का बीमारी पड़ा और इस बीमारी को हमने नाम दिया था सीजर डिसऑर्डर एपिलेप्सी फिट्स या कन्वर्जन अगला करंट की बीमारी के बाद में दो बीमारी हमने पढ़े थे न्यूरो से संबंधित जिसमें एक बीमारी थी पार्किसन डिजीज और एक बीमारी थी माइस्तेनिया ग्रेविस जो ग्रेविस बीमारी थी उसमें नाम का न्यूरो कम हो जाता है जिसके कम होने का कारण था उसकी रिसेप्टर साइट का डिस्ट्रक्ट और डैमेज हो जाने पैरा बोला, बोला जिसके तीन कार्डिनल साइन थे ट्रेमर्स रिजिडिटी और ब्रेडिकाइनेशिया उसके होने का कारण था डोपामिन की होना और हमने बोला कि जो एसटाइल कोलिन डोपामिन है उनका रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी वजह से मरीज के अंदर स्लोनेस आ जाती है बॉडी के अंदर जिसका सबसे क्लासिकल और कार्डिनल साइन हमने लास्ट लेक्चर में बताया कि ट्रेमर्स होते हैं और ये रेस्टिंग टाइप के ट्रेमर्स रहते हैं तो ये कुछ बीमारी है जो नर्वस सिस्टम की हमने प्रीवियसली डिस्कस कर ली चाहे वो इंजुरी की बीमारी हो चाहे वो करंट की बीमारी हो चाहे वो ब्लड के सप्लाई में इंटरप्शन से संबंधित बीमारी हो जिससे सैरबल परफ्यूजन कम होता है और चाहे वो आपका न्यूरो ट्रांसमिटर डेफिशेंसी डिजीज हो जिनको दो अलग अलग नाम हमने दिए और आई होप कि आप सभी लोग इस नर्वस सिस्टम की डिफरेंट टाइप की जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों को अच्छे से समझ पाएंगे और उस बीमारी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीख पाएंगे उसी कड़ी के अंदर आज हम लेके आए हैं एक और नया डिजीज और आज की जो हमारी बीमारी है उसका नाम है मल्टीपल स्क्लेरोसिस बड़ी इंटरेस्टिंग बीमारी है मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी बीमारी जो है उसके होने के के कारण क्या 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 रहते हैं इस अंदर इंपॉर्टेंट क्लिनिकल साइन देखने को मिलते हैं बीमारी के क्लासिफिकेशन क्या रहते हैं और यह बीमारी जो है किस उम्र में ज्यादा होती है बीमारी को कैसे डायग्नोस करते हैं और इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है और क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है अगर आपके ड्यूटी प्लेस पे कोई इस बीमारी का मरीज आता है तो इन सभी बातों के जवाब ढूंढने के लिए आज का ये पूरा सेशन डेडिकेटेड रहेगा आप लोगों को करना क्या है सेशन को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा के के अगरबत्ती लगा पूर्ण मनोयोग से अगले वन एंड हाफ आवर के लिए इस सेशन से जुड़ जाना है ताकि आप इस सेशन के अंत तक इस बीमारी के बारे में पूरी जानकारी अर्जित कर पाए और अपने आप को मजबूती के साथ में हर एक एग्जाम एक के लिए जाए वैसे डी और एम पी के एग्जाम कल थे आज थे और आप लोगों ने आई होप अच्छा एग्जाम किया होगा तो सभी लोगों को अच्छे एग्जाम की शुभकामनाएं और आने वाले एग्जाम के लिए हम और अच्छा करें इसके लिए सतत प्रयास हम करना यहां से शुरू करेंगे तो गुड इवनिंग टू ऑल सभी लोगों का स्वागत है शुरुआत करते बेहतरीन सेशन की और आज के इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा चारों ऑप्शन को आपको ढंग से पढ़ना है और अपना बेहतरीन जवाब देना है मैंने बोला क्वेश्चन को ढंग से पढ़े ऑप्शन को ढंग से पढ़े और अपना बेस्ट आंसर देने की कोशिश करें मल्टीपल को शॉर्ट शॉर्ट में लिखते इसको में एमएस 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 लिखते 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 हैं 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 इसको क्या का मतलब है यहां पे मल्टीपल स्क्स दैट अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये नर्वस सिस्टम की बीमारी है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बीमारी है सवाल कह रहा है कौन सा पार्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इस बीमारी में अटैकड होता है या जिसको अटैक किया जाता है पहला लिख दिया है नर्वस सेल मतलब मल्टीपल है तो न्यूरोन के ऊपर अटैक होता है दूसरा लिख दिया है माइलिन सीत के ऊपर अटैक होता है तीसरा लिख दिया है प्लेक्स के ऊपर अटैक होता है और चौथा लिखा है वर्टिब्री के ऊपर अटैक होता है याद रखे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बीमारी है मल्टीपल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यह दो चीजों से मिलकर बना होता है एक होता है ब्रेन और दूसरी होती है स्पाइनल कोड एक होता है ब्रेन और दूसरी होती है स्पाइनल कोड तो यह बीमारी स्पाइनल कोड की और ब्रेन की मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बीमारी है तो इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जितने भी न्यूरॉन होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कोड के जितने भी न्यूरॉन है उन न्यूरॉन के ऊपर सभी न्यूरॉन के ऊपर पाई जाती है माइलिन सीत

अगर मैं आपसे पूछूं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ब्रेन और स्पाइनल कोड जो है इनके जितने भी न्यूरॉन है इन न्यूरॉन की माइलिन सीत जो है उसको बनाने का काम कौन करता है फॉर्मेशन ऑफ माइलिन सीत ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम सबसे पहले जवाब किसका आता है करिश्मा गोयल ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बहुत बढ़िया हमने पढ़ा ओलिगोडेंड्रोसाइट सेंट्रल नर्वस सिस्टम की माइलिन सीट बनाता है और स्वास्थ सेल पेरिप्रल नर्वस सिस्टम की माइलिन तो की बनाती है। को कौन बनाती है? Eh बीमारी में क्या होता है मल्टीपल स्क्स में माइलिन सीत के डिस्ट्रक्शन वाली बीमारी है मतलब किसी भी कारण से सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कोड की जो माइलिन सीत है उसके अंदर डिस्ट्रक्शन और डैमेज हो जाता है माइलिन सीत में जब डिस्ट्रक्शन और डैमेज होता है तो उसकी वजह से ये जो न्यूरॉन है इस न्यूरॉन का इंफ्लामेशन हो जाता है इस न्यूरॉन का क्या हो जाता है इंफ्लामेशन हो जाता है तो कहने का मतलब है कि जितने भी ब्रेन के न्यूरॉन है जितने भी स्पाइनल कोड के न्यूरॉन है वो इनफ्लाम्ड हो जाएंगे तो इन्फ्लामेशन हो जाएगा ब्रेन का और इंफ्लामेशन हो जाएगा स्पाइनल कोड का तो इस बीमारी में मल्टीपल स्क्सिस में इस बीमारी को हम बोलते हैं डीमाइलिनेशन हो जाता है डीमाइलिनेशन हो जाता है डीमाइलिनेशन हो जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का और डीमाइलिनेशन का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन और डैमेज डिस्ट्रक्शन और डैमेज ऑफ माइलिन माइलिन है और उसका डिस्ट्रक्शन और डैमेज होगा तो माइलिन के नीचे न्यूरोन है तो वो जो न्यूरोन होता है उस न्यूरोन के अंदर इनफ्लामेशन हो जाता है तो इसकी वजह से इंफ्लामेशन हो जाता है और किसका इंफ्लामेशन हो जाता है न्यूरॉन का ब्रेन के न्यूरॉन का और स्पाइनल कोड के न्यूरॉन का तो हम कह सकते हैं इस बीमारी के अंदर ब्रेन का इंफ्लामेशन और स्पाइनल कोड का इंफ्लामेशन हो जाता है अब आपको यह पता होना चाहिए कि अगर ब्रेन का इंफ्लामेशन हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं और स्पाइनल कोड का इंफ्लामेशन हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं तो ब्रेन के लिए वर्ड यूज करते हैं सभी लोग जवाब लिखे मैं आपका इंतजार कर रहा हूं जवाब का कि भाई ब्रेन इंप्लांट हो जाएगा तो क्या कहेंगे और स्पाइनल कॉर्ड का इंफ्लेमेशन हो जाता तो क्या बोलते हैं सभी लोग जवाब लिखे तब हमें पता चलेगा कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस का एक और नाम बन जाएगा है कि नहीं है बहुत बढ़िया सभी लोग जवाब लिखे अस्लता जेना आई एम क्वालिफाइड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट इन ओडिसा कांग्रेचुलेशन जेना आपने आपकी मेहनत ने

और स्पाइनल कोड के इंफ्लामेशन को हम मायलाइटिस के नाम से जानते हैं अब और को मिला के बोले मतलब अगर आपको कोई पूछे कि भाई दोनों का साथ में इंफ्लामेशन हो जाए तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एनकेफेलो माइलाइटिस क्या बोलते हैं एनकेफेलो माइलाइटिस, माइलाइटिस और डिससेमिनेटा एंड दिस इज द अनोदर नेम ऑफ मल्टीपल स्क्स यह मल्टीपल का name है नेम ऑफ मल्टीपल स्क्सिस मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी का दूसरा नाम क्या है आपको कोई पूछे तो जवाब है एनकेपेलो माइलाइटिस ब्रेन और स्पाइनल कोड का इंफ्लामेशन मतलब हम कह सकते हैं इंफ्लामेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंफ्लामेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन सी बीमारी है मल्टीपल है ब्रेन का 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 भी inflammation और spinal cord का भी inflammation. और और स्पाइनल मतलब होता है मल्टीपल ये जो डिसमिनेटर वर्ल्ड है इस वर्ल्ड का मतलब होता है, है मल्टीपल मतलब तो मल्टीपल इंफ्लामेशन हो जाता है ब्रेन और स्पाइनल कोड का सारे ही न्यूरोन का लगभग इंफ्लामेशन हो जाता है ब्रेन और स्पाइनल कोड का इतनी बात याद रह जाएगी तो हमने पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा कि अगर किसी मरीज को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है तो बीमारी में यूजुअली अटैक किसके ऊपर होता है अटैक तो होता है माइलिन सीथ के ऊपर और कौन सी माइलिन सीथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम की माइलिन सीथ किसकी बनी होती है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की और माइलिन सीथ का डिस्ट्रक्शन और डैमेज अगर हो जाएगा तो माइलिन सीथ हट जाएगी माइलिन सीथ हट जाएगी तो उसके नीचे क्या है <coughs> न्यूरॉन का एक्सोन पार्ट है तो न्यूरॉन का एक्जोन पार्ट डैमेज और डिस्ट्रक्ट होगा इतनी बात समझ में आई आगे चले परिभाषा समझ में आ गई कौन डैमेज होता है ये समझ में आ गया अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है व्हाट इज माइलिन ये माइलिन क्या है अगर इस बीमारी में माइलिन शीथ डिस्ट्रक्ट और डैमेज होती है तो ये माइलिन क्या है ये सवाल ने आपसे पूछा है सभी लोग जवाब लिखें भाई और अपने आप को मजबूती के साथ में जोड़े रखें रख हौसला वो मंजर भी आएगा या आपने जो तमन्ना की अपनी जिंदगी में वो सब मिलेगा हर मंजर का इंतजार जिसका आपका है वो आएगा लेकिन क्या करना पड़ेगा हौसले के साथ में लगातार डटे रहना है तो माइलिन पहला है फैटी कोटिंग सराउंडिंग नर्व ए नर्व इंसुलेटर बहुत और नाइदर हमने पढ़ा कि जो आपका नर्व है जो न्यूरोन है उस न्यूरोन के ऊपर फैटी कोटिंग होती है एक कोटिंग होती है कवरिंग होती है और ये फोस्फोलिपिड की, की बनी होती है स्प्रिंगो माइलिन की बनी होती है माइलिनसी किसकी बनी होती है स्प्रिंग माइलिन की और स्प्रिंगो माइलिन क्या है स्प्रिंग माइलिन एक फैटी सबस्टेंसेज है ये क्या है ये एक फैटी सबस्टेंसेज है स्प्रिंग माइलिन और इससे बनी होती है माइलिन सीट और माइलिन सीत का मेन काम क्या था माइलिन सीथ एक्ट करती है इंसुलेटर का इंसुलेटर का मतलब होता है स्पीड अप करती है स्पीड अप ऑफ दी ट्रांसमिशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स जो इंपल्सेज है उस इंपल्सेज के ट्रांसमिशन को फास्ट और स्पीडअप करने का काम कौन करती है माइलिन सीत तो माइलिन सीत के दोनों ही काम रहते हैं एक तो यह फैटी कोटिंग से सराउंडिंग रहती है और दूसरा यह इंसुलेटर का, का काम करके जो नर्व इंपल्सेज है उनको अप करने का काम करती है तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या बन जाएगा सी बन जाएगा दैट इज बोथ ए एंड बी अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है जो आप सोच समझ के लिखिएगा सवाल कह रहा है कि विच फ्रेज इज द बेस्ट डायरेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ मल्टीपल स्कोलरोसिस कौन सा फ्रेज इनमें से कौन सा वाक्य फ्रेज का यहां पे मतलब है कौन सा कथन कौन सा कथन नीचे कुछ कथन दिए हुए कौन सा कथन जो है वो सबसे बेस्ट डायरेक्ट ट्रांसलेशन कर रहा है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का इनमें से कौन सा कथन मल्टीपल स्क्लेरोसिस को डिफाइन कर रहा है जो आप लिखे भाई पहला लिखा हुआ है मैनी लोकेशन ऑफ स्कार टिश्यू मैनी डेस्ट्रोइ नर्व मैनी एरियाज ऑफ बॉडीली वीकनेस और मैनी एरिया ऑफ पुअर कोऑर्डिनेशन चार ऑप्शन हमने यहां पे पुट कर दिए है सभी लोग जवाब लिखे हमने बोला कि इनमें से कौन सा कथन बेस्ट डायरेक्ट ट्रांसलेशन कर रहा है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मतलब क्या है मतलब समझ रहे हैं। अब देखो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में दो वर्ड है एक वर्ड है मल्टीपल और दूसरा वर्ड है स्क्लेरोसिस ये दो वर्ड है यहां पे मल्टीपल वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है मोर देन वन अगर कोई चीज एक से ज्यादा हो उसको हम मल्टीपल कहते हैं जैसे मैं एक और आप लोग मेरे साथ मेरे सारे दोस्त तो हम अकेले नहीं हैं हम साथ में हैं आप एग्जाम देने जाते हो आप कहीं भी जाते हो आपको लगता है कि मैं क्या करूं? मैं तो अकेला हूं। याद रखना आप कभी भी अकेले नहीं हो कोई साथ हो ना हो ये बंदा आपके साथ है हमेशा सा। मतलब हम हमेशा दो हैं हम अकेले तो है ही नहीं मैं भी हमेशा यही फील करता हूं कि मैं कभी अकेला नहीं हूं मेरे सारे स्टूडेंट हमेशा मेरे साथ है चाहे मैं कहीं पे भी हूं मेरे साथ में कोई ना कोई है तो मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा यह बीमारी को भी यह सुकून है कि हमेशा एक से ज्यादा है दूसरा वर्ड यहाँ पे क्या है स्क्लेरोसिस स्क्लेरोसिस वर्ड का मतलब होता है कि जब माइलिन सीत डैमेज होती है तो उसके नीचे क्या पाई जाती है एग्जोन जो न्यूरॉन का एक पार्ट है तो एग्जोन भी डैमेज हो जाता है और जब एक्जोन डैमेज हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं स्कारिंग क्या बोलते हैं स्कारिंग तो यहां पे बहुत सारे न्यूरॉन मतलब मल्टीपल न्यूरॉन एक से ज्यादा वाले न्यूरॉन एक से ज्यादा वाले न्यूरॉन की क्या हो जाती है स्कारिंग हो जाती है इस ये मतलब है मल्टीपल स्कोलोरसिस का कि भाई किसी भी कारण से किसी भी कारण से जो न्यूरॉन है उस न्यूरॉन की क्या हो जाती है उस न्यूरॉन की माइलिन सीत जो है वो डिस्ट्रॉय होती है डैमेज होती है

स्कारिंग ऑफ द न्यूरोन तो अब मतलब बता दीजिए है ना अभी कई लोगों को 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 लग 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 रहा 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 था रहा था था बी जवाब होगा किसी किसी सी कुछ अब गलत नहीं लगना चाहिए क्योंकि हमने मतलब बता दिया है अब वो कथन कौन सा करेक्ट है पहला है मैनी लोकेशन ऑफ स्कार टिश्यू मैनी मतलब मल्टीपल और स्क्लेरोसिस मतलब स्कार टिश्यू तो बहुत सारे क्या बन जाते हैं स्कार टिश्यू बन जाते हैं मैनी डेस्ट्रोय नर्व नर का डेस्ट्रोय पूरी नर का डेस्ट्रोय होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं मल्टीपल स्क्स नहीं है और मैनी एरिया ऑफ बॉडीली वीकनेस या मैनी एरिया ऑफ पुअर कोऑर्डिनेशन यहां पे नहीं बनेगा करेक्ट आंसर ए बनेगा स्कार टिश्यू बन जाता है इस बीमारी में क्या बन जाता है स्कार टिश्यू बन जाता है अगला क्वेश्चन विच एज बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कौन सा एज ग्रुप जो होता है मल्टीपल स्क्सिस में मोस्ट लाइकली स्ट्राइक करता है पे हमने क्या पूछा कि कौन सा एज ग्रुप जो है इस बीमारी के अंदर मोस्ट लाइकली स्ट्राइक करता है स्ट्राइक मतलब वो एज ग्रुप जो है इस बीमारी का शिकार होता है जवाब लिखे भाई सभी लोग जवाब लिखते रहे आपके जवाब आप का इंतजार और कमेंट बॉक्स रापेल से धीरे नहीं चलना चाहिए और इंस्ट्रक्शन अगरबत्ती लगाना ना भूले और मैक्सिमम लोगों को जोड़े आपकी क्लास है बेस्ट होनी चाहिए तो यहां पे चिल्ड्रन अंडर ट्वेल्व चिल्ड्रेन टेगा एज, एज तो ग्रुप से चालीस एंड ओल्डर बीस से चालीस एक एज ग्रुप है और पैंसठ और उससे ज्यादा दूसरा एज ग्रुप है दो एज ग्रुप में से ऐसा कौन सा उम्र है जिसमें मल्टीपल स्कोसिस ज्यादा होता है अब थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि इस बीमारी में डिस्ट्रक्शन और डैमेज ऑफ माइलिन सीत की वजह से डिस्ट्रक्शन और डैमेज माइलिन सीत की वजह से यहाँ पे न्यूरॉन बूढ़ा हो जाता है पर न्यूरॉन बूढ़ा होता है बूढ़े लोगों का न्यूरॉन बूढ़ा नहीं होता है मतलब ये बीमारी बूढ़े लोगों में नहीं होती है हमने बोला न्यूरॉन बूढ़ा हो जाता है पर बूढ़े लोगों का न्यूरॉन बूढ़ा नहीं होता है जवान लोगों का न्यूरॉन बूढ़ा हो जाता है कहने का मतलब है ये बीमारी बीस से चालीस साल के यंग लोगों में एडल्ट के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है इस बीमारी का जो शिकार होते हैं वो 20 से 40 साल के एडल्ट होते हैं एडल्ट के अंदर ये बीमारी ज्यादा देखने को मिलती है और एडल्ट में भी 20 से 40 साल की उम्र में इस बीमारी के ज्यादा कैसेज सामने आए हैं तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी बनेगा याद रख लीजिएगा बहुत फैक्चुअल बात है जब भी हम इस बीमारी को पढ़ेंगे तो एज का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनता है और ये एज होती है बीस से चालीस साल अगला क्वेश्चन क्स ग्रुप इज मल्टीपल स्कोलोरिस मोस्ट लाइकली टू स्ट्राइक कौन सा सेक्स ग्रुप बड़ा इंटरेस्टिंग है कौन सा सेक्स ग्रुप इस बीमारी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में जाता है वुमन मैन चिल्ड्रन या एडल्ट एज उमर हमने बताई थी 20 से 40 साल उम्र अभी हमने बताई इस बीमारी में जो अफेक्ट होते हैं 20 से 40 साल एम पी का पेपर सॉल्व ज़रूर कराएंगे हमारे पास में जब पेपर पूरा अवेलेबल होगा हम जरूर सॉल्व कराएंगे तो आप चिंता ना करें हमें हर चीज़ का इंतज़ार हर चीज़ का जो ख्याल है वो रहता है तो अभी आप फोकस करें स्टडी के ऊपर आपके कमेंट से सारे लोग डिस्टर्ब ना हो इसकी कोशिश जरूर करें हर वो काम किया जाएगा जो स्टूडेंट के हित में होगा इसमें आपको दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है बस आपको दिमाग कहाँ लगाना है इस क्वेश्चन के ऊपर लगाना है तब आपका जवाब यहां पे सही होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी क्लियर है तो यहां पे हमने बोला कि कौन सा सेक्स ग्रुप जो है वो मोस्ट लाइकली स्ट्राइक करता है इस बीमारी में अब याद रखो कि सेक्स के आधार इस दुनिया में पूरी इंसानियत को तीन भागों में बांटते हैं एक होता है मेल एक होता है फीमेल सेक्स और एक होता है थर्ड जेंडर ऐसे तीन सेक्स ग्रुप होते हैं और मोस्टली हम दो ही सेक्स पढ़ते हैं मेल और फीमेल तो जब सेक्स ग्रुप की बात होती है तो एडल्ट और चिल्ड्रन कोई सेक्स से नहीं होता है एडल्ट और चिल्ड्रन एक स्टेज है अवस्था है ये कोई सेक्स ग्रुप नहीं है एज ग्रुप है एडल्ट जो होता है ये एक एज ग्रुप है चिल्ड्रन एक एज ग्रुप है है ना वुमन और मैन दो सेक्स ग्रुप है इसलिए जितने भी लोग डी जवाब लिख रहे हैं आई होप कि आपको सेक्स ग्रुप के टाइप पहले पता होने चाहिए कि सेक्स जो होता है वो मेल फीमेल और थर्ड जेंडर होता है। यहाँ पे मेल और फीमेल दो होते हैं एज कंपेयर टू मेल ये बीमारी फीमेल में वुमन में ज्यादा देखने को मिलती है एज कंपेयर टू मैन और कौन सी एज की वुमन 20 से 40 साल की यंग वुमन में ये बीमारी ज्यादा होती है 20 से चालीस साल की यंग वुमन में यह बीमारी ज्यादा देखने को मिलती है तो फीमेल इज मोर प्रोन टू मोर प्रोन टू दिस डिजीज रेदर मेल याद रह जाएगा आसान है आगे चले अगला क्वेश्चन ऑल दो द एग्जैक्ट कोज ऑफ मल्टीपल स्क्लोरोसिस अब आया कारण अभी तो हमने डेफिनेशन पढ़ी की बीमारी होती कहां है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बीमारी है उसके न्यूरॉन का डीमाइलिनेशन होता है न्यूरॉन डैमेज हो जाते हैं न्यूरॉन के डैमेज होने पे बेसिकली माइलिन सी तो डैमेज होती है तो न्यूरॉन की स्कारिंग हो जाती है न्यूरॉन काला पड़ जाता है बूढ़ा हो, हो जाता है डैमेज हो जाता है न्यूरोन खराब हो जाता है ये इस बीमारी का मेन पंगा था अब जब न्यूरॉन डैमेज हो गया बूढ़ा हो गया काला पड़ गया घुटने खराब हो गए न्यूरॉन के चलना फिरना बंद हो गया इंपल्स का ट्रांसमिशन रुक गया तो ये न्यूरॉन बूढ़ा काला डैमेज क्यों हुआ फीमेल में ज़्यादा होता है अब कुछ लोगों का सवाल होगा सर फीमेल को ज़्यादा क्यों होता है तो इस बीमारी के जितने भी मरीज आए वो फीमेल ज़्यादा थी इसलिए हमने कह दिया ज़्यादा होता है ये हमेशा डाटा के आधार पे होता है इसका क्यों कुछ नहीं होता है फीमेल को ही ज़्यादा क्यों होता है इसका जवाब नहीं होता है ये जितने टोटल कैसेज जाते हैं उसकी स्टडी के आधार पर एक डाटा निकाला जाता है इसको इंसिडेंट रिपोर्ट कहते हैं इंसिडेंस तो इंसिडेंस में क्यों नहीं होता है होता है तो होता है कुछ के क्यों होते हैं कुछ के क्यों नहीं होते हैं जैसे अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो सर उसमें तीन ही विकेट क्यों होते हैं तो तीन ही होते हैं भाई ये सिद्धि है है ना तीन ही होंगे अब उस पर सवाल मत करो आप तो पद्धति को अपनाओ और उस पर काम करो तो अगला क्वेश्चन है कारण एग्जैक्ट कोज क्या इस बीमारी के होने का जो अभी तक पता नहीं है लेकिन कुछ फैक्टर यहां पे रोल प्ले करते हैं पहला एनवायरमेंटल दूसरा वायरसेस तीसरा फैमिली हिस्ट्री और चौथा ऑटो इम्यून विच इज द करेक्ट वन अब कुछ लोगों ने लिखा है कि मल्टीपल स्क्लोरोसिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया देखो मल्टीपल स्क्लोरोसिस जो बीमारी होती है उस बीमारी का एग्जैक्ट कारण तो हमें पता नहीं है लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस बीमारी का एक कारण है ऑटो इम्यून डिजीज इस बीमारी का एक कारण है ऑटो इम्यून डिजीज एक कारण है ऑटो इम्यून डिजीज इसका दूसरा कारण है ऑटो इम्यून का प्रोसेस शुरू होता है वायरल इन्फेक्शन से अगर 20 से 40 साल की उम्र में कोई वायरल इंफेक्शन हो जाए हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है वायरल और एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है होता क्या है कि आपकी बॉडी में कोई वायरल इंफेक्शन जाए तो वायरस के खिलाफ आपकी बॉडी क्या बनाएगी आपकी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी और ये एंटीबॉडी क्या करेगी इस वायरस को किल कर देगी डैमेज कर देगी डेस्ट्रॉय कर देगी जब वायरस डैमेज हो जाएगा तो वायरस के डैमेज होने के बाद में ये जो एंटीबॉडी बनी थी ये एंटीबॉडी इसकी फोटो खींचती है इसको तो मारती है फोटो खींचती है कि ससुरा ये है कौन कहां से आया है उसकी फोटो ले लो थोड़ी तो ये वायरस की फोटो वायरस मतलब एंटीजन उसकी फोटो कौन है एंटीबॉडी ने ली और <coughs> क्या बनाया एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स क्या बन गया एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स यह एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स क्या करता है पूरी बॉडी में घूमता है यह ससरा वायरस आया कहां से ढूंढो इसको ढूंढो इसको ढूंढो ऐसे घूमता है जब यह पूरी बॉडी में घूमता है तो इसने देखा कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरोन है ससुरे उनके ऊपर एक कवरिंग सीट है है ना ये सीट है ये माइलिन सीट थी बेसिकली उनको लगा कि ये यहाँ पे जो ये सीट है बनी किसके ओलिगोडेंड्रोसाइट की तो जो ओलिगोडेंड्रोसाइट है उनकी शकल जो है ओलिगो की शकल जो है वो किससे मिल गई इस वायरस से मिल गई दोनों की सेम शकल थी तो जब दोनों की सेम शकल थी तो मेरी एंटीबॉडी ने क्या सोचा कि ये जो एंटीजन है ये वही एंटीजन है मतलब ये दोनों सेम है फोटो मैच हो गई फोटो मैच हुई तो एंटीबॉडी ने ना आओ देखा ना ताओ सीधा यहां पे हमला बोला अटैक कर दिया किसके ऊपर ओलिगोडेंड्रोसाइट के ऊपर दमाग दमाग ओलिगोडेंड्रोसाइट कह रही अरे रुको अरे मैं तो ओलिगो हूं मैं तो क्या चुप बोलना नहीं तू एंटीजन है जुट बोल रहा है ये दमा दम को क्या कर रही है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय और डैमेज कर देती है मेरी ही एंटीबॉडी किसकी मेरी ही एंटीबॉडी मेरी ही बॉडी की नॉर्मल सेल को वायरस समझ के एंटीजन समझ के उसी को धमा दम मारने लग जाए इस प्रोसेस को ऑटोइम्यून इम्यून प्रोसेस कहते हैं ऑटो मतलब खुद का इम्यून सिस्टम उसी के ऊपर अटैक करके उसको डेस्टोर डैमेज कर दे इसको ऑटो इम्यून प्रोसेस कहते हैं और इसकी शुरुआत वायरल इंफेक्शन की वजह से हुई ऐसा हमने देखा कि कई फैमिलीज के अंदर जिनमें वायरल इन्फेक्शन जिनमें मल्टीपल स्कोलोसिस होता है उनके बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चों को भी मल्टीपल स्कोलोशिस हो रहा है तो वहां पे भी ये बीमारी जो है वो ट्रांसमिट होती है जेनेटिकली फैमिली हिस्ट्री हो तो हो जाती है बीमारी और एनवायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है एनवायरमेंटल बीमारी एनवायरमेंट कुछ ऐसे एनवायरमेंट होते हैं जहां बीमारी ये ज्यादा होती है कहने का मतलब है कि ये चारों ही कारण बनते हैं किसके मल्टीपल स्क्लेरोसिस के तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा ई e बनेगा सिर्फ ऑटो इम्यून ही नहीं ऑटो इम्यून के अलावा ऑटो इम्यून के अलावा फैमिली हिस्ट्री वायरस और इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर याद रह जाएगा याद रह जाएगा बहुत बढ़िया सभी लोग याद रख लेंगे आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन काइंड ऑफ डिजीज इज मल्टीपल मल्टीपल स्क्लेरोसिस कैसी बीमारी है अब आप जवाब लिखिएगा एक मौका और एक गलत हुआ तो क्या एक मौका जिंदगी में है ना जिंदगी बहुत कम मौके देती है लेकिन राजू सर की क्लास में मौके बहुत मिलेंगे आपको पूरे डेढ़ घंटे में मौके ही मौके दूंगा पर आप चौका लगाने से चूकना मत एक बार चूक आ जाए तो दूसरी बार डबल मेहनत के साथ में कोशिश करना कहा सो बार फिसलती है मन का विश्वास रगों में साहस भरता है चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना कभी नहीं करता है आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती कोशिश करने वालों की लाल कभी हार नहीं होती तो यहां पे कौशी हमारे हाथ में है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है पहला है इंफेक्शियस दूसरा है वायरल तीसरा है ऑटो इम्यून और चौथा है ब्लड मैंने आपको बताया एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है ऑटो इम्यून प्रोसेस होता है हेरिडिटरी फैमिली हिस्ट्री का प्रॉब्लम हो सकता है वायरल इंफेक्शन से ऑटो इम्यून की शुरुआत होती है लेकिन मल्टीपल स्क्लोरोसिस बीमारी जो है वो कोई वायरल डिजीज थोड़ी है कि भाई एपस्टेंटर वायरस से होती है या कोरोना वायरस से होती है ना यह बीमारी कोई खून की बीमारी नहीं है या कोई इंफेक्शन नहीं होता है यहां पे वायरल इंफेक्शन में ऑटो इम्यून प्रोसेस चलता है एक अलग कंसेप्ट था लेकिन यह वायरल बीमारी नहीं है किस टाइप की बीमारी है तो टाइप तो इसका हमेशा ऑटो इम्यून ही रहेगा सी यहां पे करेक्ट आंसर रहेगा इस बीमारी का टाइप हमेशा क्या रहेगा ऑटो इम्यून रहेगा तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा सी कुछ लोगों ने सही पकड़ा है कुछ लोगों ने थोड़ा गड़बड़ किया है याद रहे ऑल ऑफ पे नहीं बनेगा करेक्ट आंसर है यह एक ऑटो इम्यून बीमारी है अगला क्वेश्चन देखिएगा फिर मौका दे रहा हूं कोई बात नहीं गलत हो गया सर कोई बात नहीं फिर मौका दे रहा हूं हाउ डज द डिजीज यूजली प्रोग्रेस ये जो बीमारी है यह कैसे प्रोग्रेस करती है याद रखना सोच समझ के जवाब लिखना

इसका मतलब क्लास आपके लिए रामबाण है क्योंकि आप सही कर रहे हैं फिर उस क्लास का आपको कोई ज्यादा फायदा होना नहीं है क्योंकि आपको वही पढ़ाया जा रहा है जो आपको आता है और अगर किसी क्लास में आपके क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं तो आपको वो पढ़ाया जा रहा है जो आपको नहीं आता है और जो मुझे नहीं आता और वो मैं पढ़ रहा हूं तो मैं सीख रहा हूं मुझे आता है और वही मैं पढ़ रहा हूं तो मेरी लर्निंग नहीं है लर्निंग किस में ला जो मुझे नहीं आ रहा है और वो मैं सीख रहा हूं तो कुछ लोग क्या है गलत होने से घबरा जाते हैं कि मेरे तो गलत हो रहे हैं मैं तो यह नहीं पढ़ूंगा अरे नहीं पढ़ने से तो फिर गलत होंगे ज्यादा और एग्जाम में तो यही आएगा तो आपको सोच सोच के जवाब लिखने होते हैं क्या जवाब हो रहा है और क्या जवाब होना चाहिए यहां पे क्वेश्चन ने आपको क्या बोला है कि कैसे बीमारी प्रोग्रेस करती है इन ए सीरीज ऑफ अटैक एंड रिमिशन अगला लिखा हुआ है इन ए ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ फंक्शन विद नो रिमिशन द डिजीज ड नॉट गेट वर्स एंड ऑल ऑफ दी अब चार ऑप्शन हमने यहां पे लिखे हैं बीमारी कैसी है यह है क्वेश्चन पूछा है कुछ लोगों ने ए लिखा है मल्टीपल रिलैप्स नो रिमिशन बहुत बढ़िया रिमिशन होता है उसमें नो no रिमिशन है गुड कुछ लोगों का बी है कुछ का डी है <laughs> बहुत बढ़िया क्या बात है भाई सभी लोग जो है अपने अपने मत रख रहे हैं यहां पे मत नहीं रखने है, राइट रखना है ला ले हाँ बहुत बढ़िया तो यहां पे देखो यहां पे देखो हम मल्टीपल की जब बात करते हैं तो इस बीमारी के चार इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं इस बीमारी के चार टाइप होते हैं क्या कोई बता सकता है कि मल्टीपल स्कोलोरोसिस बीमारी के कौन कौन से चार टाइप होते हैं मल्टीपल स्कोलोसिस बीमारी के चार इंपोर्टेंट टाइप होते हैं यह पहले आपको पता होना चाहिए मल्टीपल स्कोलोसिस कितने टाइप की बीमारी है ये बीमारी चार टाइप की है देर इज फोर टाइप्स ऑफ डिजीज बीमारी जो है इसके चार फर्दर टाइप्स होते हैं बीमारी तो एक ही है लेकिन बीमारी के टाइप कितने होते हैं चार टाइप होते हैं ये चार टाइप कौन कौन से पहले तो ये पता होना चाहिए आपको और फिर इन चार टाइप में होता है क्या क्या है उसके बारे में हम समझेंगे तो कौन से चार टाइप होते हैं इस बीमारी के हैव यू एनी आइडिया रिलैप्स पीक साइन एंड सिम्टम रिमिशन लोवेस्ट साइन एंड सिम्टम फोर टाइप्स हाँ कौन से चार टाइप भाई यही हम बात करें अब देखो सुनो और समझो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये सभी लोग ध्यान से सुनेंगे चार टाइप की जब हम बात करते हैं तो ये जो चार टाइप है मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी का नाम है जिसका पहला टाइप है रिलैप्स रिमिशन मल्टीपल स्क्लेरोसिस इसका दूसरा टाइप है प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्सिस इसका तीसरा टाइप है सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्कोलोरोसिस और इसका चौथा टाइप है प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग मल्टीपल स्कोलोरोसिस याद रह जाएगा चार टाइप है कौन कौन से आर आर एम एस मतलब रिलैप्स और रिमिटिंग प्राइमरी प्रोग्रेसिव सेकेंडरी प्रोग्रेसिव और प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग मल्टीपल स्कोलोरोसिस समय के साथ में याद रखना समय के साथ में बीमारी जब होती है तो बीमारी अलग अलग तरीके से अपना रूप दिखाती है कैसे रूप दिखाती है कि इस बीमारी में दो वर्ड है देखो एक और एक वर्ड वर्ड है है और रिमिशन सबसे पहले तो आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि अगर किसी को जिंदगी में यह बीमारी हो गई मल्टीपल हम में से यह बीमारी अभी किसी को नहीं है लेकिन जब यह बीमारी हो जाती है तो देर इज नो क्योर फॉर दिस डिजीज सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए इस बीमारी का कोई भी क्योर नहीं है नो क्योर डिजीज है ये ठीक होने वाली बीमारी नहीं है यह पहले आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि साहब ये मल्टीपल स्कोलिस अरे ये तो वो है जो कभी ठीक नहीं होगी ये तो ऐसी बीमारी है ऐसा होना चाहिए आपके पास में फिर यह जो बीमारी है इसमें हम फिर इलाज क्या करेंगे या इलाज क्यों करेंगे इलाज इसलिए करते हैं ताकि बीमारी का रिमिशन हो जाए रिमिशन का मतलब होता है कि बीमारी के साइन एंड सिम्टम को दबा दिया जाता है बीमारी तो पड़ी हुई है अंदर लेकिन बीमारी को क्या कर दिया चुप करा दिया इसको बोलते हैं रिमिशन तो बीमारी का रिमिशन होता है साइन एंड सिम्टम ठीक हो जाते हैं फिर मौका पाके ये बीमारी दोबारा से कभी कभी अपने सिम्टम ले आती है मतलब जैसे बीमारी हुई हमने दवाई दी मरीज ठीक रहा ठीक रहा ठिक रहा फिर हुई ठीक रहा ठीक रहा ठिक रहा फिर हुई ठीक रहा ठीक रहा ठीक रहा फिर हुई ठीक रहा ठीक रहा फिर हुई मतलब ये जो फेज है यहां पे तो मरीज रिमिशन में रिमिशन मतलब बीमारी ठीक है बीमारी ठीक है मतलब इसके सिम्टम ठीक है और यह मतलब है मरीज के सिम्टम आए हैं इसको बोलते हैं रिलैप्स वापस सिम्टम आ गए तो रिलैप्स तो एक बार रिलैप्स है एक बार रिमिशन है फिर रिलैप्स है फिर रिमिशन है फिर रिलैप्स है फिर रिमिशन है फिर रिलैप्स है फिर रिमिशन है ऐसे बीमारी चलती है यह जो बीमारी है मल्टीपल स्क्लेरोसिस इसको रिलैप्स रिमिटिंग मल्टीपल स्कॉलरसिश कहते हैं और यह लगभग एसेंट के आसपास पाई जाती है मोस्ट कॉमन टाइप है मल्टीपल का रिलैप्स रिमिशन टाइप का मल्टीपल स्कॉलरसिश यह सबसे कॉमन टाइप है और सबसे ज्यादा यही होता है याद रह जाएगा दूसरा प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्कॉलरसिश प्राइमरी प्रोग्रेसिव क्या बोला हमने प्राइमरी प्रोग्रेसिव का क्या मतलब होता है कि इसमें कोई रिलैप्स और रिमिशन नहीं है बीमारी हुई बीमारी हुई और होने के बाद में ससुरी ऐसे 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 चढ़ती जा रही है लगातार प्रोग्रेस ही करती जा रही है इसको प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्कॉलरसिश कहते हैं लगातार बीमारी वर्ष होती जा रही है अगला लिखा हुआ है सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्कॉलरसिश इसमें क्या होता है कि शुरू शुरू में तो मरीज में क्या होता है रिलैप्स और रिमिशन होता है रिलैप्स रिमिशन होता है और फिर यह चढ़ने लग जाती है पहले तो ऐसे चलती चलती अचानक से प्रोग्रेसिव हो जाती है इसको सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्कॉलोसिस कहते हैं और लास्ट ऑप्शन क्या लिखा हुआ है प्रोग्रेसिव रिलैपिंग मल्टीपल स्कॉलोरसिस यहां पे बीमारी जो है वो रिलैप्स हो रही है और प्रोग्रेस करती जा रही है मतलब रिलैप्स और रिमिशन के साथ में प्रोग्रेस करती जा रही है ये सपाट रहती है ये सीधी बढ़ती जाती है ये ठीक रह के फिर बढ़ती है और ये रिलैप्स होती होती चल रही है

बीमारी जो है ये रिलैप्स हुई रिमिशन हो गया रिलैप्स हुई रिमिशन हो गया रिलैप्स हुई रिमिशन हो गया रिलैप्स हुई रिमिशन तो यह तरीका जो है यह कहलाता है रिलैप्स रिमिशन मल्टीपल स्कॉलरसिप दूसरा तरीका देखिएगा सेकेंड प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्कॉलरसिप प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्कॉलरसिश द कलर इज ग्रीन प्राइमरी प्रोग्रेसिव देखो प्राइमरी प्रोग्रेसिव कोई रिलैप्स रिमिशन नहीं है बिना रिलैप्स रिमिशन के लगातार ग्राफ चढ़ता ही जा रहा है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्कॉलरसिश याद रह जाएगा प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्कॉलरसिश समझ गए ये पहला हो गया ये दूसरा हो गया सर मैप दोबारा बता दो अरे मैप सामने आ गया देखो हमने बनाया एक और मैप आ गया समझो सर को सब पता है कि, कि कितना दिमाग में गया है और हमारा तो एक ही दय है कि हम कोई पढ़ाए और आपको दोबारा पढ़ना ना पड़े इसी तरीके की पढ़ाई होनी चाहिए नहीं तो पढ़ाई करने का कोई सेंस नहीं है और इस तरीके का पढ़ने पे ही मामला बनेगा हाँ तीसरा देखो सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल सेकेंडरी प्रोग्रेसिव द कलर इज रेड द कलर इज रेड ये देखो क्या हो रहा है यहां पे ये भाई साहब यहां से चढ़ाई की फिर रिमिशन होके रिलैप्स हुआ समझो बात को नहीं ये नहीं ये नहीं, कौन सा वाला ये है सर ये वाला कौन सा ये लो ये देखो ये भाई साहब यहां से चढ़े फिर क्या हुआ ये मतलब किसकी तरह चला पहले रिलैप्स रिमिशन की तरह चला शुरुआत में और उसके बाद में सीधा ऐसे हो गया किसकी तरह प्राइमरी प्रोग्रेसिव की तरह हो गया पहले रिलैप्स रिमिशन चल रहा था और फिर प्रोग्रेस कर गया इसको सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्कॉलरशिप कहते हैं और लास्ट है प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग लास्ट है प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग में क्या है ये रिलैप्स हुआ ये आपका रिलैप्स हुआ और ये प्रोग्रेस किया रिलैप्स हुआ प्रोग्रेस किया रिलैप्स हुआ देखो प्रोग्रेस करता जा रहा है तो प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस और ये जो है ये बहुत रेयर वाला टाइप है मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है उसका क्योर तो होता ही नहीं है और चार टाइप याद रख लेना और सबसे मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है रिलैप्स रिमिशन मल्टीपल स्क्लेरोसिस याद हो गया चारों टाइप याद हुए कि नहीं हुए मल्टीपल स्क्लेरोसिस में सबसे टैडी बायत कोई सीखने वाली है ना वो इसके चार टाइप है और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ और कई लोगों ने आपने आप भी ये बात मानेंगे कि ये जो टाइप है इनको समझना थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है और आई होप कि आप रोज कुछ नया सीख रहे हैं और इन टाइप का नाम भी अगर आपने पहली बार सुना है और उसके बावजूद अगर आपको ये चारों टाइप समझ में आ गए तो हमारा पढ़ना और हमारा पढ़ाना और आपका पढ़ना सफल है और हमारी ये मेहनत जो है वो एक दिन दिखेगी एग्जाम में हर एग्जाम में दिखेगी याद रहना क्लियर है बहुत बढ़िया हाँ आर आर सबसे कॉमन है आर 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 सबसे कॉमन है रिलैप्स रिमिशन रिलैप्स रिमिशन आर आर यह सबसे कॉमन है क्लियर है आसान है आगे चलें नेक्स्ट देखिएगा यह बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सोच के सोच के जवाब लिखिएगा क्या लिखा हुआ है एक वुमन है मल्टीपल स्कोलोसिस की हु वांट टू हैव चिल्ड्रन शुड बी अवेयर दैट हर डिजीज में अफेक्ट हर प्रेगनेंसी इन वाट वे एक वुमन है एक वुमन है जो चाहती है वांट टू हैव चाहती है चिल्ड्रन शुड बी अवेयर दैट हर डिजीज वो बच्चा चाहती है एक वुमन है वो बच्चा चाहती है और जब वो बच्चा चाहती है कौन सी डेंजरस है सब डेंजरस ही है मल्टीपल स्कूल स्कूल डेंजरस है कोई क्योर नहीं है इसका चाहे कोई भी हो जाए सारी डेंजरस है सभी में प्रॉब्लम होगी तो सब डेंजरस ही है अच्छा तो कुछ है ही नहीं यहां पे है कि नहीं है तो उसका आंसर क्या अच्छा वो पिक्चर है क्या ससुरा आंसर क्या है सर वो तो बताओ पहले चलो तो हाउ डज द डिजीज यूजली प्रोग्रेस इन ए सीरीज ऑफ अटैक एंड रिमिशन हमने बोला इसमें सीरीज ऑफ अटैक अटैक को बोलते हैं रिलैप्स अटैक को हमने क्या बोला रिलैप्स और साथ में इसमें क्या होता है साथ में इसमें रिमिशन होता है मतलब इसमें रिलैप्स होता है और इसमें रिमिशन होता है तो ये तो होता ही होता है अभी हमने बताया रिलैप्स रिमिशन मोस्ट कॉमन टाइप दूसरा इन ए ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ फंक्शन विद नो रिमिशन लगातार फंक्शन में डिक्लाइन होता है कोई रिमिशन नहीं है ये कौन सा टाइप था ये था प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्कलोसिस सीधा मतलब कोई रिमिशन नहीं ससुरा लगातार प्रोग्रेस 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 इसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्कलोरोसिस और इसको बोला रिलैप्स रिमिशन मल्टीपल स्कलोरोसिस समझ में आ रहा है अगला द डिजीज डज नॉट गेट वर्स बीमारी कभी भी वर्स नहीं होती है बीमारी कभी भी वर्ष नहीं होती है ऐसा पांच मरीजों में किसी एक में होता है इसका रेशियो फाइव रेशियो वन है अगर पांच लोगों को मल्टीपल स्कोलोरिस है तो चार लोगों में बीमारी बहुत खराब रूप ले लेती है एक आध में वर्ष नहीं होती है प्रोग्रेस नहीं करती है ऐसा इस बीमारी में माना जाता है तो ये तीनों ही कथन जो है इस बीमारी के प्रोग्रेस के बारे में सत्य है करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा ऑल ऑफ दी अबाउ बनेगा डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या बनेगा डी एंड आंसर इज़ ऑल ऑफ याद रह जाएगा तो हाउ द डिजीज यूजली प्रोग्रेस रिलैप्स रिमिशन प्राइमरी प्रोग्रेसिव और पांच में से एक आदमी में बीमारी ज्यादा वर्ष नहीं होती है डी ये बीमारी के प्रोग्रेस का तरीका था जो हमने यहां पे समझा क्लियर हो गया अगला क्वेश्चन सवाल ने क्या लिखा है कि एक वुमन है जो चाहती है बच्चा मल्टीपल उसको पहले बीमारी है और अब वो बच्चा चाहती है ठीक है तो आपको नहीं है। तो सबने सोचा सर कह रहे हैं तो शायद करेक्ट नहीं होगा मैंने ये नहीं बोला इस सवाल में करेक्ट नहीं है मैंने बोला हर बार करेक्ट नहीं होता है पर यहां तो हो सकता है संभावना तो कुछ भी है तो आप अपने तरीके से जवाब लिखे क्लियर है हाँ जवाब लिखे भाई सभी लोग हर डिजीज में अफेक्ट हर प्रेगनेंसी इन वाट वे किस वे में पहला है मिसकैरिज इज मोर लाइकली दूसरा है लेबर एंड डिलेवरी में भी मोर रिस्की तीसरा है हर बेबी में डेवलप बर्थ डिफेक्ट और चौथा है एम एस सिम्टम्स में इज और फेड अवे लेट इन प्रेगनेंसी, बट मे गेट वर्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ जवाब लिखे भाई और जिनको जवाब देने में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है थोड़ा बिखरने का मन कर रहा है बिखरेंगे नहीं हम तो निखरने वाले हैं और एक बात याद रखना भगवान श्री रामचंद्र की सोगन खा के कहता हूं कि अगर डटे हुए रहोगे ना तो सब आने लग जाएगा और बिखर गए ना तो कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम तक शर्त सिर्फ एक है कि अगर सर साढ़े चार बजे रोज आते हैं तो हमें रोज साढ़े बजे आके क्लास तो पूरी अटेंड करना है और डटे रहना है सवाल आए ना आए ये बाद की बात है लेकिन मैं मेहनत ही ना करूं ये गलत बात है राजा रामचंद्र को अगर जवाब देना है आपको तो डटे रहना है अपने आप को लगातार डटे रहना है याद आएंगे एग्जाम में ये बातें बहुत याद आएगी आज थोड़ा कम समझ आएगा लेकिन बाद में याद आएगी तो सर की कोई बात मानना चाहते हो तो ये मान लो कि डटे रहो जो डट गया वही जीता है इस दुनिया में तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर प्रेग्नेंसी है तो देखो प्रेगनेंसी एक स्ट्रेस वाली कंडीशन है और स्ट्रेस जो है वो बीमारी के रिलैप्स का कारण बनता है अगर लेडी प्रेग्नेंट होना चाहती है तो उसको सबसे पहली सिंपल इंफॉर्मेशन हम क्या देंगे हम कहेंगे कि मल्टीपल स्ट्रोक्स की जो सिम्टम है वो में ईज और फेड अवे लेट इन प्रेगनेंसी बट में गेट वर्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ प्रेगनेंसी में तो इसके सिम्टम कंट्रोल में रह सकते हैं लेकिन चाइल्ड बर्थ एक स्ट्रेस वाली कंडीशन है लेबर एक स्ट्रेस वाली कंडीशन है और उस लेबर के दौरान स्ट्रेस के दौरान बीमारी का क्या हो जाता है रिलैप्स हो जाता है और बीमारी बहुत ज्यादा वर्ष हो जाती है ऐसा हम उसको बताएंगे भाई भी तुम्हें बीमारी है तुम प्रेग्नेंट होना चाहती हो कोई बात नहीं लेकिन क्या होगा कि अगर यह बीमारी जो है वो पूरी प्रेगनेंसी तो ठीक रहेगी लेकिन जब लेबर होगा तुम्हारे बच्चा डिलीवर होगा उस दिन तुम्हारे जो है प्रॉब्लम हो जाएगी कि उस दिन तुम्हारी बीमारी जो है वो बहुत ज्यादा वर्ष हो जाएगी डी यहां पे करेक्ट आंसर है पहला ऑप्शन कह रहा है मिसकैरिज इज मोर लाइकली बीमारी से मिसकैरिज नहीं होता है ये गलत इंफॉर्मेशन है लेबर एंड डिलीवरी में भी मोर रिस्की लेबर का प्रॉब्लम है आ, मतलब यह रिस्की नहीं है बीमारी से लेडी के जो सिम्टम है वो खतरनाक हो जाएंगे इसका लेबर या डिलीवरी का रिस्की होने से कोई संबंध नहीं है और अगला है हर बेबी में डेवलप बर्थ डिफेक्ट बीमारी से बर्थ डिफेक्ट नहीं होते पर हाँ बीमारी को ठीक करने के लिए जो दवाई देते हैं इस बीमारी के ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स काम लेते हैं उन ड्रग्स का जो ड्रग्स काम लेते हैं उन ड्रग्स का टैरेटोजेनिक इफेक्ट टेरेटोजेनिक इफेक्ट जो है वो बच्चे पे हो सकता है प्रॉब्लम तो हो सकती है टेरटोजेनिक इफेक्ट जिससे बच्चे में कंजेनाटल एनोमली हो सकती है लेकिन दवाई से बच्चे के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें कोई बर्थ डिफेक्ट नहीं होता है तो बीमारी से यह तीनों बातें गलत है एक ही बात सही है कि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ नहीं होगा लेकिन जब डिलीवरी करोगे लेबर का स्ट्रेस होगा तब सिम्टम आएंगे तुम्हारे और बीमारी क्या हो जाएगी वर्ष हो जाएगी रिलैक्स हो जाएगी याद रह जाएगा आगे चले नेक्स्ट देखिएगा वाट आर the सिम्टम ऑफ मल्टीपल स्क्लोरोसिस सभी लोग जवाब लिखे भाई मल्टीपल स्क्लोरोसिस जो है इस बीमारी में कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे अभी तक हमने पढ़ा बीमारी का डेफिनेशन उसके कारण बीमारी कैसे होती है ठीक बात है किस एज को होती है अगला है क्लिनिकल साइन से ये जो बीमारी है अच्छा उसके टाइप भी हमने पढ़े अगला क्लिनिकल साइन है कौन सा सिम्टम देखने को मिलेगा ब्लड विजन मसल वीकनेस और पार्शियल पैरालिसिस टाइडनेस या फैटिंग और डबल विजन सभी लोग जवाब लिखे भाई बीमारी में क्या देखने को मिलेगा ऐसा हमने पूछा इस बीमारी में होता क्या है कि जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन जो है वो डेस्ट्रोय और डैमेज और उनकी स्कारिंग हो गई है ये ब्रेन है और उसके न्यूरोन का डिस्ट्रक्शन और डैमेज हो गया स्कॉरिंग हो गई और इसके सारे जो न्यूरोन है ये न्यूरोन काले पड़ गए बूढ़े हो गए बीमार हो गए स्कॉरिंग हो गई सारे न्यूरोन की अब इससे क्या होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर स्ट्रक्चरल एंड स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है एंड फंक्शनल डिफेक्ट होगा उसका ना तो स्ट्रक्चर सही रहेगा ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम के काम सही रहेंगे ये दोनों प्रॉब्लम होगी तो जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर प्रॉब्लम में चले जाएंगे तो पेरीफ्री के जो न्यूरोन है वो जब मैसेज को लेके जाएंगे ब्रेन के पास में क्योंकि वो सही है तो मैसेज को डिलीवर करेंगे ब्रेन को ब्रेन उन मैसेज को इंटरप्रिटेट नहीं कर पा रहा है जवाब नहीं दे पा रहा है तो पेरीफ्री का काम भी रुक जाता है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो स्ट्रक्चर और फंक्शन डिफेक्ट हो जाता है लेकिन पेरिप्रल नर्वस सिस्टम है पेरिप्रल नर्वस सिस्टम है नो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट तो नहीं होता पेरिपोरल नर्वस सिस्टम का एक भी न्यूरोन खराब नहीं होता है एक भी न्यूरोन की स्किंग नहीं होती है बट कांट फंक्शन लेकिन काम वो भी नहीं कर पाते हैं क्युं? क्यों क्योंकि उनके काम सेंटर के ऊपर डिपेंड है और सेंटर में अगर पैसे ही नहीं है तो स्टेट गवर्नमेंट का कभी भला हो ही नहीं सकता क्योंकि उनके सारे काम सेंटर से होते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है तो यहां पे ब्लड विजन जो आंख का विजन है वो नहीं हो पाएगा विजन का सेंस तो जाएगा लेकिन ब्रेन उसको इंटरप्रिटेट नहीं करेगा तो दिखना गड़बड़ हो जाएगा मसल में वीकनेस और पैरालाइसिस हो जाएगी क्यों क्योंकि मसल के जो मोटर मूवमेंट है उनको कराने के लिए ब्रेन जवाब देता है लेकिन ब्रेन अभी जवाब दे ही नहीं रहा है क्योंकि ब्रेन के सारे न्यूरोन कैसे हो गए हैं सारे न्यूरोन तो कैसे हो गए तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिफेक्ट हो गया है स्कारिंग हो गई है तो ये ऑर्डर ही नहीं मिल रहा है मसल को हिलाने के लिए हाथ को हिलाने के लिए ऑर्डर ही नहीं मिल रहा है ठीक है टायर्डनेस थकान बहुत ज्यादा रहेगी क्यों क्योंकि हाथ हिलना चाहता है लेकिन हिल नहीं पा रहा है क्यों क्योंकि ऊपर से आदेश नहीं है ऊपर से कनेक्शन कट गया है राजा जी काले पड़ चुके हैं उनका का स्कारिंग हो चुका है और अगला है डबल विजन डबल विजन जो है दो दो दिखेंगे क्योंकि विजन गड़बड़ा गया है ऊपर से विजन का सही सेंस नहीं आ रहा है सेंसरी और मोटर याद रखना पैरालाइसिस जो है यह सिम्टम तो मोटर का सिम्टम है और ये ब्लड विजन और डबल विजन ये सेंसरी के सिम्टम है तो यहाँ पे सेंसरी और मोटर दोनों के साइन आते हैं दिखने में गड़बड़ होती है दोनों के साइन आते हैं याद रखना हाँ टॉसिस नहीं होता इसमें टॉसिस तो ग्रेविस का साइन है प्रीवियस लेक्चर देखो माइस्ते ग्रेविस अलग बीमारी है ये अलग बीमारी है यहाँ पे बॉडी की सारी मसल में वीकनेस आएगी कहें का, का टॉसिस सिर्फ टॉसिस थोड़ी होगा टॉसिस तो सिर्फ वीकनेस की बीमारी है यहाँ पे तो मसल में पैरालाइसिस हो रहे हैं या तो पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम गड़बड़ा गया है स्कारिंग हो है सारे न्यूरॉन की तो सभी तरीके के सिम्टम आएंगे ऑल इज द द करेक्ट आंसर ऑफ मल्टीपल सेंसरी के सिम्टम भी आएंगे और मोटर के सिम्टम भी देखने को मिलेंगे इस बीमारी के अंदर याद रखना डिप्लोपिया और ब्लड विजन दोनों ही तरीके के विजन अल्ट्रेशन इस बीमारी में होंगे और डिप्लोपिया जो है इसका एक इंपॉर्टेंट साइन के रूप में वहां पे जाना जाता है अगला है विच इज ए कॉमन सिम्टम ऑफ मल्टीपल स्क्लोरोसिस इनमें से कौन सा कॉमन सिम्टम है मल्टीपल स्क्लोरोसिस का कॉमन सिम्टम पहला है स्टटरिंग दूसरा है फाइब्रोमाइल्जिया तीसरा है इनसोमनिया और चौथा है इम्बेलेंस कॉमन सिम्टम पूछा इस बीमारी का कॉमन सिम्टम ऑफ मल्टीपल स्क्लोरोसिस जो आप सभी लोगों को देना है और अपना अपना बेस्ट जॉब देना है भाई सभी लोगों को अपना अपना बेस्ट जॉब देना है डी कुछ लोगों का जवाब आया देखो स्टटरिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना स्टटरिंग हकलाने जैसा तो यहां पे हकलाना या बड़बड़ाना स्टटरिंग नहीं होता है ये तो गलत है स्कैनिंग ऑफ स्पीच जरूर होती है वो क्या है आगे मैं बताऊंगा पर ये नहीं है अगला है फाइब्रोमाजिया फाइब्रो माइल्जिया फाइब्रो का मतलब होता है कि लोकल मसल के अंदर जो फड़का होता है कभी कभी हमारी आंख फड़कती है या यहां पे कोई फड़का फड़क 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 करता है यह फाइब्रोमाइलिया कहलाता है है ना तो फाइब्रो मालजिया जो है वो मसल का बीमारी है मसल का बाइटा कह सकते हैं इसको मसल का बाइटा तो ये बाइटे वाली बीमारी है और इन सोमनिया का मतलब होता है लॉस ऑफ स्लीप दिस इज नॉट ए कॉमन सिम्टम बीमारी में सेंटर और पेरीफ्री के न्यूरोन गड़बड़ाते हैं बीमारी में सैरीबेलम के न्यूरोन भी गड़बड़ाते हैं यहाँ पे जो डी होगा वो सेबेलम का भी होगा जब सैरीबेलम के अंदर न्यूरॉन के माइलिन सीट का डिस्ट्रक्शन और डैमेज होता है तो सेरिबेलम के डैमेज की वजह से मरीज में अटैक्सिया मरीज में निस्टगमस निस्टगमस डांसिंग आईबॉल और मरीज में डिप्लोपिया डबल विजन, इस तरीके के सिम्टम आते हैं यह सेरिबेलम जो ऑर्गन ऑफ और पॉस्चर एंड बैलेंस कहलाता है तो अगर अटैक्सिया हो गया निस्टग्मस हो गया डिप्लोपिया हो गया तो अटेक्सिया इज द इनकोर्डिनेट मूवमेंट तो यह मूवमेंट इनबैलेंस को इंडिकेट करते हैं तो यहाँ पे कॉमन सिम्टम है इम्बैलेंस आएगा जो अटेक्सिया के रूप में होगा हो हो अगर डांसिंग आईबोल है, 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 है और उसमें डबल डबल विजन हो रहा है तो डेफिनेटली उसके बॉडी का कभी भी बैलेंस नहीं रहेगा और इम्बेलेंस बॉडी हो जाएगा और वो कहीं ना कहीं रिस्क ऑफ फॉल लगातार उस मरीज में बनी हुई रहती है मल्टीपल स्कोलोरोसिस में देखने को मिलता है अगला क्वेश्चन विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट ए टिपिकल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ मल्टीपल स्कोलोरोसिस हमने सवाल में पूछा कि इन बीमारियों में से कौन सा नहीं है टिपिकल क्लिनिकल साइन इस बीमारी का कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इस बीमारी मल्टीपल स्कोलोरोसिस का नहीं है यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है नॉट इसको देखना सीखे और ये आपने देख लिया तो सवाल सही हो जाएगा पहला लिखा हुआ है डबल विजन दूसरा लिखा हुआ है सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी ब्रेन स्टेम भी अफेक्ट होता अरे मेरे लाले जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोल दिया तो ब्रेन न, ब्रेन का स्टेम बाकी क्या बचा पीछे पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो इन बातों का क्लियर होना चाहिए आपको कि सभी पार्ट इन्वॉल्व होंगे फिर वो सेरिब्रम हो सेरिबेलम हो मिड ब्रेन हो पॉन्स हो मेडुला हो स्पाइनल कोर्स सभी अफेक्ट होंगे तो यहां पे हमने बोला कौन सा सिम्टम यहां पे नहीं होगा डबल विजन सडन बस्ट ऑफ एनर्जी वीकनेस इन द एक्सट्रमिटीज और मसल ट्रेमर्स याद रखना हमने दो सिम्टम तो ऑलरेडी पढ़ लिए एक सिम्टम हमने पढ़ा कि वहां पर डबल विजन होता है इस बीमारी में तो ये तो होगा ही होगा इसको हम डिप्लोपिया कहते हैं क्या बोलते हैं डिप्लोपिया और एक सिम्टम हमने पढ़ा कि इसमें हाथ और पाव के अंदर एक्सट्रमिटीज में वीकनेस होगा पैरस्थी और पैरालाइसिस कहते हैं इसको पैरास्थी का मतलब होता है वीकनेस और का मतलब होता है लैक ऑफ मूवमेंट है ना बिल्कुल मतलब पैरालाइसिस हो गया तो पैरास्थीसिया पैरालाइसिस हो गई होगा सेंसरी और मोटर के सिम्टम है ये सारे के सारे ये तो है आपको ये पूछा है कि कौन सा सिम्टम नहीं होता है एक ऑप्शन लिखा हुआ है सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी और एक लिखा हुआ मसल में ट्रेमर्स दो ऑप्शन बड़े इंटरेस्टिंग है ट्रेमर्स जो जो सिम्टम सिम्टम है है वो पार्किंसोनिज्म पार्किंसोनिज्म में था जो है, इसका एक हमने पढ़ा था कि पार्किंसोनिज्म में जो मरीज रहता है उस मरीज को ट्रेमर्स होते हैं क्या होता है ट्रेमर्स होते हैं में है जो ट्रेमर्स थे वो ट्रेमर्स किस तरीके के ट्रेमर्स थे रेस्टिंग ट्रेमर्स थे कैसा ट्रेमर्स था रेस्टिंग रेस्टिंग ट्रेमर्स का क्या मतलब होता है कि जब मरीज बैठा रहता था तो आ, आ, वो आ, मतलब हाँ पे पिल रोलिंग ट्रेमर्स आते थे और जैसे ही उसको कोई काम करने का कह दो और वो कोई फंक्शन करता है अपने एक्सट्रमिटी से तो उसके ट्रेमर्स गायब हो जाते हैं रिजोल हो जाते हैं तो नॉर्मली उसमें ट्रेमर्स पिल रोलिंग टाइप के और रेस्टिंग ट्रेमर्स थे अब याद रखना ये जो मल्टीपल स्कोल बीमारी है इसमें भी ट्रेमर्स होते हैं लेकिन इसमें जो ट्रेमर्स होते हैं ये ट्रेमर्स इंटेंस ट्रेमर्स होते हैं इंटेंस ट्रेमर्स क्या जब आदमी बैठा रहता है तब उसमें कोई ट्रेमर्स नहीं है लेकिन जब वो मान लो किसी चीज को पकड़ने जाएगा मान लो उसको पानी पीना है तो पानी पीने के लिए वो पानी की बोतल को पकड़ने जाएगा अब बोतल को जैसे ही उस, उस, वो पकड़ने के लिए गया तो उसको क्या होने लगेगा ट्रेमर्स होने लगेगा और वो जैसे ही उस सामान को रख देता है तो उसके ट्रेमर्स गायब हो जाते हैं ऐसा लग रहा है कि उस सामान को पकड़ने से उसको करंट शुरू हो गया है तो एक एक्सट्रमिटीज में पैरालाइसिस है और वो किसी काम को करने जाएगा तो कैसे उसको कमकमी और ये कम कबाट शुरू हो जाती है इस तरीके के ट्रेमर्स को हम इंटेंस ट्रेमर्स के नाम से जानते हैं इस बीमारी में इंटेंस ट्रेमर्स होते हैं पार्किंग में रेस्टिंग ट्रेमर्स होते हैं ट्रेमर्स ट्रेमर्स में फर्क है याद रह जाएगा ट्रेमर्स ट्रेमर्स में फर्क है हाँ बहुत बढ़िया तो ये तीनों सिम्टम इस बीमारी के हो गए एक बचा है सडन बस्ट ऑफ एनर्जी बीमारी में मल्टीपल न्यूरॉन के अफेक्ट होने से मरीज में लगातार फैटिंग और वीकनेस रहती है तो इस बीमारी में कभी भी सडन बस्ट बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाएगा मरीज ऐसी कोई संभावना नहीं है ये मरीज तो लगातार कैसा रहता है फैटी रहता है फैटी वीक रहता है इसके काम कर ही नहीं पाता है यह कोई काम कर ही नहीं सकता क्लियर है तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा बी दैट इज सडन बस्ट ऑफ एनर्जी क्लियर है बहुत बढ़िया आगे चले अगले क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट देखिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आप सोच समझ के लिख दीजिएगा तो लेट्स सी कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं क्लिनिकल साइंस से ही क्वेश्चन है कौन सा क्लिनिकल फाइंडिंग डज द नर्स एंटीसिपेट ए क्लाइंट विद एन एग्जासन ऑफ मल्टीपल टू एक्सपीरियंस अगर एक मरीज है मल्टीपल स्कोलोर बीमारी है उसको और यह बीमारी उसमें एग्जासबेट हो रही है है ना मतलब कौन सी फाइंडिंग डज द नर्स एंटीसिपेट दैट द क्लाइंट विद डरबेशन ऑफ मल्टीपल स्कोलोरसिस एक्सपीरियंस इस बीमारी का एग्जासर्वेशन हो रहा है इसको बताने वाले कौन कौन से साइन है जो जो साइन है उन सबको आपको सेलेक्ट करना है पहला है डबल विजन दूसरा है रेस्टिंग ट्रेमर्स, तीसरा है फ्लैसिड स्पीच और पांचवा है मेंटल रिटार्डेशन पांच ऑप्शन हमने यहां पे डाले आपको मल्टीपल आंसर चूज करना है और रैशनल भी लिखना है साथ में अपने जवाब के साथ में ऐसा नहीं कि हाँ मेरे को लग रहा है ए बी डी होगा मेरे को लग रहा है ए सी डी होगा मेरे को लग रहा है डी डी e होगा मेरे को लग रहा है ए बी होगा ऐसे जवाब नहीं लिखने हैं वहाँ पे। आपको लिखना है कि कौन सा जवाब है और कोई जवाब है तो क्यों है अच्छा कुछ को अरे ओल ओल नहीं है लाले। थोड़ा सोच के जवाब लिखो बीमारी के हमने क्लिनिकल साइंस समझाए हैं आपको बीमारी क्या होती है समझाया अब आपको अपना जवाब लिखना है जिसको जवाब नहीं आ रहा है अगरबत्ती लगा के लिखें क्योंकि अगरबत्ती में बहुत पावर है अब कुछ को तो यही समझ नहीं आ रहा सर अगरबत्ती क्या अगरबत्ती का मतलब है प्रेस द लाइक बटन मेक योर सेल्फ कॉन्फिडेंट पूरा विश्वास पूरे विश्वास के साथ में अपने आप को डटा इस सेशन से हाँ देखो पहला पहला लिखा हुआ है डबल विजन इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इस बीमारी में डिप्लोपिया होता है ब्लड विजन होता है तो ये तो बीमारी का क्लासिकल कार्डिनल साइन है डबल विजन तो होगा ही होगा डबल विजन तो होगा ही होगा यह इस बीमारी में रहता ही रहता है दूसरा लिखा हुआ है इस बीमारी में रेस्ट के समय कोई ट्रेमर्स नहीं है जब मरीज कोई काम करने जाता है उसको हम बोलते हैं इंटेंस ट्रेमर्स कौन सा ट्रेमर्स तो इस बीमारी में इंटेंस ट्रेमर्स होता है इंटेंस कौन सा ट्रेमर्स

इस बीमारी में हमेशा वीकनेस होती है क्या होती है वीकनेस होती है पैरस्तीशिया होता है पर कभी भी फ्लैसिड पैरालिसिस इस बीमारी में नहीं होता है तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया ऑप्शन बी भी गलत है ऑप्शन सी भी गलत है ये इस बीमारी के सिम्टम नहीं है अगला लिखा हुआ है स्कैनिंग ऑफ स्पीच स्कैनिंग ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि जब आदमी बोलता है तो जो स्कैनर मशीन कैसे होती है आपने पेपर रखा और उसके ऊपर कैसे चलता भाई साहब ही ऐसे है रुक रुक के बोलते हैं शब्दों को स्कैन कर कर के बोलते हैं फराटेदार नहीं बोल पाते हैं क्योंकि इनमें मसल वीकनेस है और इनमें जो है मूवमेंट मसल प्रॉपर कोऑर्डिनेट वे में नहीं होती है तो अनकोअर्डिनेट वे में होने की वजह से यहाँ पे स्कैनिंग ऑफ स्पीच देखने को मिलती है ये डी बी यहाँ पे जवाब बनेगा स्कैनिंग ऑफ स्पीच और एक लिखा हुआ है मेंटल रिटार्डेशन मेंटल रिटार्डेशन कोग्नेशन पावर इंपेयरमेंट होने पे होता है आईक्यू, आईक्यू या कोग्नेशन जब इफेक्ट होता है तब मेंटल रिटार्डेशन होता है याद रखना इस बीमारी के जो क्लाइंट रहेंगे इनका कॉग्निशन अनअफेक्टेड रहता है तो ये मेंटल रिटार्डेशन का शिकार नहीं होते हैं तो करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा ए एंड डी बाकी सारे गलत जवाब है बीमारी के दो ही सिम्टम है पहला डिप्लोपिया और दूसरा स्कैनिंग ऑफ स्पीच क्लियर है हाँ अगला क्वेश्चन इफ सिम्टम एंड ए फिजिकल एग्जामिनेशन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगर सिम्टम और फिजिकल एग्जामिनेशन सजेस्ट कर रहे हैं मल्टीपल स्कोलोरोसिस तो डज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर कन्फर्म इट अगर सिम्टम यह बता रहे हैं कि मरीज को मल्टीपल स्कोलोरोसिस है तो एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर आप कैसे पता चलेंगे एमआरआई से स्पाइनल टैप करके मतलब स्पाइनल टैप मतलब लंबर पंचर और सी एस एफ एनालिस इसको स्पाइनल टैप कहते हैं याद रखना और विजुअल पोटेंशियल टेस्ट वीईपी और लास्ट है ऑल ऑफ क्या तरीका रहेगा भाई अगर आपको यह पता चल गया कि बीमारी जो है वो मल्टीपल स्क्सिस लग रही है तो आप कैसे कंफर्म करेंगे बीमारी को अब इस बीमारी को कंफर्म करने के लिए सबसे पहला तरीका है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन का डीमाइलिनेशन हुआ है इसका पता लगाते हैं है? है है। 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 दूसरा यहां पे स्पाइनल टैप करते हैं सीएसएफ एनालिस करते हैं लंबर पंचर करते हैं क्या करते हैं लंबर पंचर करते हैं यहां पे लंबर पंचर जिससे सीएसएफ एनालिस करते हैं और तीसरा यहां पे सेंसरी सिम्टम के लिए इवोक्ड पोटेंशियल टेस्ट विजुअल ऑडिट्री ऑलफेक्ट्री सोमेटोसेंसरी गेटरी सभी तरीके के इवोक्ड पोटेंशियल टेस्ट कैरिड आउट किए जाते हैं सोमेटोसेंसरी सोमेटोसेंसरी इवोक्ड पोटेंशियल टेस्ट है, है कि नहीं है विजुअल इवोक्ड पोटेंशियल टेस्ट ऑडिट्री इवोक्ड पोटेंशियल टेस्ट गस्टेटरी इवोक्ड पोटेंशियल टेस्ट ऑल फैक्ट्री इवोक्ड पोटेंशियल टेस्ट ये सारे टेस्ट सेंसरी सिम्टम का पता लगाने के लिए तो सभी तरीके के टेस्ट इस बीमारी में काम में लेते हैं हालांकि कोई कंफर्मेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट कोई नहीं होता है सिर्फ हम सेंसरी मोटर सबका पता लगाने और कारण का पता लगाने के लिए डिफरेंट टाइप के टेस्ट को कैरिड आउट कराते हैं तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा ऑल ऑफ दी दू जितने भी ये टेस्ट लिखे हुए हैं ये सारे टेस्ट इस बीमारी में कैरिड आउट किए जाते हैं हम ये पता कर सके कि बीमारी के होने का क्या रीजन था और बीमारी से मरीज में क्या क्या सिम्टम आए याद रह जाएगा बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन द क्लाइंट डायग्नोस विद मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज शेड्यूल फॉर एन आउट पेशेंट एम आर आई हमने बोला इस बीमारी में एमआरआई कराते हैं मैग्नेटिक रिजोन इमेजिंग कराते हैं हेड का कौन सा क्वेश्चन नर्स क्लाइंट से पूछेगी जब मरीज का एम होना है तो जब मरीज़ का एम हमने प्लान किया तो मरीज से कौन सा क्वेश्चन आप एज ए नर्स वहाँ पर पूछेंगे डू लाइट दैट फ्लैश ऑफ एंड ऑन कोज यू टू हैव ए सीजर क्या लाइट बंद और चालू होने से तुम्हें सीजर होते हैं डू यू हैव डिफिकल्टी वेन यू आर इन ए स्मॉल एंड क्लोज स्पेस जब तुम कोई छोटे स्पेस में बंद हो जाती हो तो तुम्हें कभी प्रॉब्लम होती है क्या डू यू गेट सिक वेन ड्रिंकिंग कॉन्ट्रास्ट डाइटीजर एक्सरे के लिए अगर कॉन्ट्रास्ट डाइट पिलाते हैं तो क्या तुम्हें कभी उससे परेशानी हुई और अगला है कैन यू हैव सम्राइव यू होम आफ्टर द प्रोसीजर इज ओवर ही प्रोसीजर खत्म हो जाएगा क्या तुम्हें घर ले जाने के लिए कोई है तुम्हारे साथ में चार ऑप्शन हमने यहाँ पे लिखे क्या आंसर होना चाहिए एम से पहले कौन सा क्वेश्चन किया जाएगा अब देखो बहुत बढ़िया कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से क्वेश्चन को मैनेज किया है लेकिन कुछ लोगों का सवाल गलत भी है कुछ को तो इसका जवाब भी ई लग रहा है पहले सुनो मेरे लाले पहला ऑप्शन क्या कह रहा है उसको पढ़ो कह रहा है कि डू यू लाइट फ्लैश ऑफ एंड ऑन कोज यू हैव सीजर ये एम करते समय नहीं करते हैं एम में लाइट चालू या बंद ऐसा कुछ नहीं होता है जब हम एम कराते हैं तो ऐसा कभी भी नहीं करते हैं कि लाइट चालू करते हैं ना लाइट बंद करते हैं ऐसा एम में नहीं करते हैं तो, ये तो पहला तो धरते ही गलत हो गया ये बात तो अब नॉर्मल बात बोल दी अगला लिखा हुआ है डू यू कोई कोई कमरे में हो तो तुम्हें यस एम आर आई की मशीन छोटी है मरीज को काफी देर अंदर रहना पड़ता है तो एम आर आई की वजह से कई मरीजों को कई मरीजों को क्लस्ट्रोफोबिया जिनको होता है वो बीच में डर जाते हैं, हिल जाते हैं ये कंसेप्ट क्लस्ट्रोफोबिया का ही है क्लोज स्पेस एमआरआई के मरीज में क्लस्ट्रोफोबिया होता है तो यहां पे करेक्ट आंसर बी बनेगा अगला लिखा हुआ है डू यू गेट एक्सरे एक्सरे नहीं है ये एक्सरे में करते हैं कॉन्ट्रास्ट सिटी कराते हैं नहीं करा रहे हम यहाँ पे एम करा रहे हैं एम में कोई डाई नहीं देते हैं ऐसे तो ये गलत हो गया और कैन यू हैव ड्राइव इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं एम कर रहे हैं मरीज खुद ही गाड़ी चला के घर जा सकता है ऐसा नहीं होगा कि हमारे होने के बाद में मरीज तो एकदम बेहोश रहेगा कोई दूसरा आदमी चाहिएगा वो उसको घर लेके जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है जो क्लस्ट्रोफोबिक होता है उसका एम थोड़ा मुश्किल होने लग जाता है तो मरीज से ये क्वेश्चन हम कंफर्म करने के लिए पूछेंगे कि कहीं वो क्लस्ट्रोफोबिया तो नहीं है उसको और अगर है तो उसका एम अभी हम कैरिड आउट नहीं कर सकते क्योंकि उस मरीज को थोड़ा समझा के फिर मामला बनाएंगे अगला क्वेश्चन कौन सी थेरेपी रिकमेंडेड करेंगे फॉर ट्रीटिंग स्लोली प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्कोलोसिस बीमारी जो है वह स्लोली प्रोग्रेसिव है बहुत धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही है तो कौन सा ट्रीटमेंट रिकमेंडेड करेंगे जवाब लिखेगा सभी लोग जवाब लिखे जब मरीज की बीमारी स्लोली प्रोग्रेसिव है तो क्या रिकमेंडेड करेंगे ओपन एम क्या होती है भाई एम तो मशीन होती है ओपन ओपन क्या होती है मतलब सड़क पे लेटा के थोड़ी करेंगे एम ओपन कुछ नहीं होती है एम मशीन में ही जाना पड़ता है मरीज़ को और फिर स्कैन होता है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाना पड़ता है एम में तो ओपन ओपन कुछ नहीं होता है बाइक डबल दिखेगी सिम्टोमेटिक होगा तब दिखेगी एम से कोई मरीज़ सिमटोमेटिक थोड़ी हो रहा हम तो डायग्नोस कर रहे हैं सिम्टम तो दवाई से मैनेज होते हैं तो ऐसा ना सोचो कि हमेशा ही उसको डिप्लोपिया रहता है अगर दवाई ले रहा है तो कहें का डिप्लोपिया हमारे कारण का पता लगाने के लिए करते हैं, है ना, हाँ, तो यहां पे स्लोली प्रोग्रेसिव एम के बारे में हारमोन देंगे दूसरा है हार्मोन देंगे एसीटीएच एडिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन यहां पे एसीटीएच का फुल फॉर्म है एडिनो कोटिकोट्रोपिक एडिनो ट्रॉपिक हार्मोन, इसको एसीटीएच कहते हैं अगला है एंटीबायोटिक देंगे अगला है ए एंड बी और लास्ट है, above, लोग नहीं बनेगा। अगर आपको लग रहा है और मैक्सिमम लोगों ने अपने जवाब भी लिखे हैं और कुछ लोग कह भी रहे हैं कि सर हमें तो डी लग रहा है तो आपको बिल्कुल खोटा लग रहा है क्योंकि इसका जवाब तो डी नहीं है अगली बात अगला जवाब लेट सी कुछ लोगों ने जवाब बी लिखा है बी कुछ ने ए लिखा है बी में लिखा हुआ है हार्मोन देंगे ए में लिखा हुआ है कोटी को देंगे याद रखिएगा जब बीमारी सडन होती है और बहुत ज्यादा एकदम से मरीज के सिम्टम आ जाते हैं तब स्टेरॉइड का ज्यादा रोल होता है अगर बीमारी स्लोली प्रोग्रेसिव है तो लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड नहीं देते हम और उसको प्रिफर नहीं करते हैं तो स्लोली प्रोग्रेसिव बीमारी में स्टेरॉइड या एसीटीएच नहीं देना होता है अगर बीमारी स्लोली प्रोग्रेसिव है तो उसमें ना तो हम स्टेरॉयड देते हैं ना हम उसमें ए सी टी एच देते हैं अगर बीमारी एक्यूट होती और आतो आतो रातों तो रात होती तब हम एंटी इन्फ्लामेटरी और इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट देते हैं हालांकि मल्टीपल स्क्लोरोस बीमारी जो है उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट स्टेरॉयड ही है और इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट ही देते हैं क्योंकि एक ऑटो इम्यून डिजीज है और इन्फ्लामेशन वाली बीमारी है लेकिन इस बीमारी में जब स्लो प्रोग्रेस होती है तो ना तो स्टेरॉयड देते हैं लॉन्ग टर्म तक और ना उसके अंदर हम यहाँ पे एस हार्मोन देते हैं तो ये दोनों गलत हो गए और बीमारी में एंटीबायोटिक का कोई रोल है ही नहीं इस बीमारी में एंटीबायोटिक का कोई रोल है ही नहीं क्योंकि बीमारी का संबंध बैक्टीरियल इंफेक्शन से नहीं है तो ये आंसर भी क्या है गलत है तो इस बीमारी में ऊपर में से कोई इसका जवाब नहीं बनेगा करेक्ट आंसर यहां पे क्या बन जाएगा ई बन जाएगा ऐसा भी होता है यहां सब पॉसिबल है क्योंकि ये क्लास जो है ना ये मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस पे चल रही है तो यहां सब पॉसिबल है बस शर्त ये है कि आपको सवाल पढ़ना आना चाहिए और थोड़ा ओवर थिंकिंग थोड़ा जो है रैशनलाइज थिंकिंग रखनी पड़ेगी तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा ई बन जाएगा नन ऑफ दी अब अगला क्वेश्चन क्योंकि स्लो प्रोग्रेसिव एम एस का इलाज नहीं करते हैं जब तक मरीज सिम्टोमेटिक नहीं है क्योंकि बीमारी क्यूरेबल तो है नहीं पूरी ठीक तो हो ही नहीं सकती और धीरे प्रोग्रेस कर रही है इतने सिम्टम ही नहीं है तो है को स्टेरॉइड खिलाए स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट से मर जाएगा वो है कि नहीं है हाँ अगला है कौन सा विच ऑफ दीज सो कोल्ड एमएस इनमें से कौन सी थेरेपी जो है वो इस बीमारी में रिकमेंडेड नहीं है हमने नोट लिखा है यहां पे इस बीमारी में इन में से कौन सी थेरेपी रिकमेंडेड नहीं है उन उनको चूज करना है आपको जवाब लिखे भाई सभी लोग जवाब लिखे भाई कौन सा चीज रिकमेंडेड नहीं है पहला ऑप्शन लिखा हुआ है स्नैक विनम दूसरा है ऑक्सीजन तीसरा है स्टेक्टोमी चौथा लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ डेंटल फिलिंग दैट कंटेंट मर्करी और पांचवा है कैल्शियम ऑरोटेट और छठा है ऑल ऑफ दी दिन इनमें से कौन सा ट्रीटमेंट इस बीमारी में नहीं देते याद रखना मल्टीपल स्क्लेरोसिस में ना तो सांप का एंटीडोट विनम देते हैं ना हाइपरबेरिक ऑक्सीजन देते हैं ना स्टेक्टमी करते हैं ना मरकरी हटाते हैं ना कैल्शियम और ये इस बीमारी के इलाज ही नहीं है कौन से इलाज है ये इस बीमारी में तो स्टेरॉइड देते हैं अगर एक्यूटनेस के साथ में इस बीमारी में इम्यूनो सप्रेशन देते हैं जो ऑटो इम्यून का प्रोसेस है उसको कुछ हद तक रोकने के लिए ऐसा करते हैं लेकिन इस बीमारी में इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं देते हैं इस बीमारी में ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं सवाल ने ये पूछा कि क्या नहीं करते हैं तो ऑल ऑफ दी मतलब कुछ भी नहीं करते हैं अब कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा ये जवाब होगा तो सारे ही करते हैं तो क्यों करते है कुछ भी नहीं करते ये मतलब है यहाँ पे सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दी और सही आंसर क्या बन जाएगा एप बन जाएगा करेक्ट आंसर अगला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आप सोच समझ के लिखिएगा सवाल कह रहा है कि एक मरीज है जिसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस था यह बीमारी है और उसकी मसल में जो है उसको वो रिसीव कर रहा है बैकलोफेन कौन सी दवाई रिसीव कर रहा है बैकलोफेन यह दवाई का नाम है बैकलोफेन जो लाओ के नाम से आती है लायो और ज्यादातर इस दवाई को आपने देते हुए देखा होगा हिकप्स के अंदर हिकप्स हिकप्स बोलते हैं इचकी को इचकी उसके अंदर ये दवाई देते हैं ज्यादातर ये इस मरीज को भी देते हैं द नर्स डिटरमाइन दैट द ड्रग इज इफेक्टिव वैन इट अचीव विच ऑफ दी फॉलोइंग दवाई इफेक्टिव है कब इफेक्टिव है मतलब दवाई का प्रभाव क्या इफेक्ट क्या है स्लिप इंड्यूस करती है स्टिमुलेट करती है क्लाइंट्स के एपेटाइट को मसल स्पास्टिसिटी को रिलीव करती है और यूरिन के बैक्टीरियल काउंट को रिड्यूस करती है चार ऑप्शन हमने लिखे दवाई का नाम है लायोरेसाल या इसी को हम क्या बोलते हैं बैक्लोफेन याद रखना बैक्लोफेन दवाई ना तो नींद के लिए देते हैं नींद के लिए कौन से होते हैं स्लीपिंग पिल्स होती है इनको हम बैनजो कहते हैं लाम पाम जाम एल्फ्राजोलाम ये स्लीपिंग पिल्स होती है अच्छा दूसरा है ये एपेटाइट को स्टिमुलेट करती है तो यह दवाई एपेटाइट को स्टिमुलेट करने वाली नहीं है ये एपेटाइजर नहीं है एक क्या लिखा हुआ है एक लिखा हुआ है ये बैक्टीरियल काउंट को कम करती है तो ये बैक्टीरियल काउंट को कम करने के लिए नहीं है ये मसल रिलैक्सेंट है हिकप्स जो होता है ये डाइप्राम का स्पाजम है और उसमें यह देते हैं मतलब ये डाइप्राम को स्पाज को कम करती है तो ये मसल के अंदर स्पाजम को कम करती है इस मरीज में भी मल्टीपल स्कोलोरस के मरीज में जब मसल वीक है और मरीज उसको मूव करना चाहेगा तो उसको ओवर एक्जर्स से स्पाज होते हैं स्पाज्म को कम करने के लिए उसको दवाई दी जाती है लाइव रिसाल तो अगर मसल की कम हो गई तो दवाई इफेक्टिव हो गई नहीं हुई तो दवाई का अभी तक इफेक्ट नहीं आया इट इज ए मसल रिलैक्सेंट क्या है ये मसल रिलैक्सेंट है लाओ रिसाल इसको नाम देते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन को समझना पहले और फिर अपना बेस्ट जवाब लिखना एक मरीज है जिसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस है पंद्रह साल से कब से है फॉर फिफ्टीन ईयर्स पंद्रह साल से है एंड हैज रिसीव वेरियस ड्रग थेरेपी और बहुत सारी ड्रग थेरेपी जो है वो मरीज रिसीव कर रहा है पंद्रह साल से बीमारी है और बहुत सारी ड्रग थेरेपी उसको दी जा रही है तरह तरह की वॉट इज द प्राइमरी रीजन वाई द नर्स हैज फाउंड इट डिफिकल्ट टू एलवेट द इफेक्टिवनेस ऑफ़ द ड्रग ड्रग इफेक्टिव नहीं हो पा रही है जो क्लाइंट दवाई यूज कर रहा है मतलब कई सालों से दवाई ले रहा है क्या पहला कारण है जो आप प्राप्त करेंगे डिफिकल्ट टू टूल द इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रग दैट द क्लाइंट एज यूज मतलब जो दवाई मरीज कई सालों से खा रहा है मरीज की दवाई इफेक्टिव हो रही है कि नहीं हो रही है इसका पता लगा पाने में आपको बड़ी दुख दुविधा हो रही है ऐसा क्यों मतलब मरीज के ऊपर दवाई का असर का हम पता ही नहीं लगा पा रहे ऐसा क्यों पहला लिखा हुआ है द क्लाइंट एग्जिबिट इन टॉलरेंस टू मैनी ड्रग बहुत सारी दवाई मरीज में टॉलरेंट ही नहीं होती है द क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग स्पॉन्टेनियस रिमिशन फ्रॉम टाइम टू टाइम बार बार उसमें रिमिशन होता रहता है द क्लाइंट रिक्वायर मल्टीपल ड्रग साइमटेनियसली कई सारी ड्रग जो है वो साथ में लेता है द क्लाइंट एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ एग्जर्वेशन बिफोर द इलनेस रेस्पॉन्स टू ए पर्टिकुलर ड्रग बहुत ज्यादा एग्जा होने की वजह से ऐसा होता है चार ऑप्शन यहां पे लिखे मैं सवाल कह रहा है कि दवाई का इफेक्ट हम क्यों नहीं पता लगा पा रहे याद रखना इस बीमारी का मोस्ट कॉमन टाइप था रिमिशन रिलैप्सिंग रिमिशन रिलैप्सिंग तो वहां पे दवाई लेते लेते ही मरीज में कभी तो रिमिशन हो जाता है कभी रिलैप्स हो जाता है तो रिमिशन और रिलैप्स वाले कारण की वजह से हम मरीज में ये पता ही नहीं लगा पाते हैं कि दवाई इफेक्टिव हो रही है या टाइम टू टाइम मरीज में जो है बीमारी उसका रिमिशन और रिलैप्सिंग होता रहता है और ये मोस्ट कॉमन टाइप का मल्टीपल स्कॉलरशिप था इसलिए दवाई का इफेक्ट हम पता लगा पाने में यहां पे असक्षम हो रहे हैं ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है देखो मजा आएगा इस सवाल को पढ़ने में और जवाब भी सभी लोगों से चाहता हूं मैं और जिन्होंने अभी तक लाइक like बटन प्रेस नहीं किया उनके लिए जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जवाब बड़ा खतरनाक है इस बीमारी का क्या जवाब है सवाल कह रहा है कि डू पीपल डाई फ्रॉम एम एस क्या मल्टीपल स्कलोरो से लोग मर जाते हैं यह सवाल ने पूछा है नो और यस सभी लोग जवाब लिखे मैं ये देखना चाहता हूं कि कितने लोगों को अभी तक बीमारी समझ आई है अगर समझ आई है तो इस सवाल का जवाब सही लिखेगा सवाल बहुत सिंपल है इससे इजी सवाल कोई नहीं हो सकता कई लोग कह रहे अरे सर सवाल समझ में नहीं आया बाकी तो हम जवाब दे देते ये सवाल समझ में बहुत सिंपल है क्या इस बीमारी से लोग मर जाते हैं यस और नो कुछ लोगों का जवाब नो है कुछ का जवाब यस है अच्छा कुछ इसका भी जवाब सी लिख रहे हैं अब मेरे को यह समझ में नहीं आता कि सी कहाँ है ऑप्शन में है? यस और नो की बात कर रहे हैं हम यस और नो ये दो बात करें अब देखो कुछ लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने इसका जवाब नो लिखा है मैं नो वालों से पूछूंगा कि नो क्यों है और कुछ एक है मेरे जैसे जिन्होंने यस yes लिखा है मेरे जैसे ऐसा बोला मैंने उन्होंने यस yes लिखा है तो मैं उनसे भी पूछना चाहूंगा कि चलिए आप जवाब लिख दीजिए कि यस क्यों होगा और कुछ लोग जो है वो यस yes नो कर रहे हैं यस नो यस नो यस नो इस नो, नो मत करो या तो यस है या नो है याद रखो कि हमने पूछा कि डू पीपल डाई फ्रॉम एम एस क्या इस बीमारी से मरीज मर जाता है तो बीमारी का क्योर नहीं है देर इज नो क्योर नो क्योर बट नॉट फैटल भाई ठीक नहीं होता है लेकिन ऐसा थोड़ी है कि होता ही मल्टीपल स्कॉलर ये भाई चलो इनके बारिये का इंतजाम करो तैरिए का इंतजाम करो ये तो निपटने वाले क्या ये रेस्पॉन्स होता है हमारा नहीं याद रखे बीमारी जो है उससे लोग मरते नहीं है बीमारी के साथ में जीते हैं बस उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो जाती है तो क्वालिटी को बनाने के लिए दवाइयों का सहारा लेते हैं पर क्योर नहीं है लेकिन लेकिन फैटल भी नहीं है बीमारी फैटल मतलब जानलेवा बीमारी नहीं है तो करेक्ट आंसर जो है वो ए बनेगा बीमारी से लोग मरते नहीं है अगला क्वेश्चन द नर्स इज केयरिंग फोर्टी सिक्स ईयर क्लाइंट फोर्टी सिक्स क्लाइंट विथ क्लिनिकल वारंट इमीडिएट इंटरवेंशन हमने बोला ये बीमारी 20 से 40 साल की उम्र में ज्यादा होती है क्लाइंट का उम्र 46 सिक्स ईयर है कौन सा साइन आपको वारंट कर रहा है कि हाथों हाथ आत कोई ना कोई इंटरवेंशन काम में लो हाथों हाथ कोई ना कोई इंटरवेंशन काम में ले, हो? आत कोई कोई का में ले हो? जो आप लिखेगा पहला है द क्लाइंट हैज ए कंजेस्टेड कॉप एंड डिस्पेजिया दूसरा द क्लाइंट है जे स्कैनिंग स्पीच एंड डिप्लोपिया तीसरा द क्लाइंट है जे डिस एंड स्कोटोमाज अगला द क्लाइंट है जे मसल वीकनेस एंड स्पास्टिसिटी जो आप लिखिएगा भाई कौन सा सिम्टम आपको वारंट कर रहा है आपको चेतावनी दे रहा है कि हाथों हाथ आत कोई ना कोई इंटर सॉरी कोई ना कोई इंटरवेंशन काम में लेना है कौन सा सिम्टम खतरनाक सिम्टम कौन सा इन सब में से याद रखना मल्टीपल स्क्लेरोसिस अगर मरीज को हुई है तो मसल में वीकनेस होगी स्पास्टिसिटी होगी ये कोई खतरनाक सिम्टम नहीं है ये जो डी आंसर दे रहे हैं मोतीलाल फुलवारिया ये खतरनाक सिम्टम नहीं है क्योंकि मसल में वीकनेस और स्पास्टिसिटी इज नॉट डेंजरस हाथ पाँव थोड़े धीरे चलेंगे स्पाज होंगे ये कोई जानलेवा सिम्टम नहीं है खतरनाक सिम्टम उसको बोलते हैं जो आदमी की जान को ले सकता है द क्लाइंट एंड डिस बोलने के प्रॉब्लम बोलने की प्रॉब्लम खतरनाक नहीं है कम बोलो तो बढ़िया है ना बोलो तो उससे भी बढ़िया है और द क्लाइंट हैज स्कैनिंग ऑफ स्पीच और डिप्लोपिया कॉमन सिम्टम है स्कैनिंग ऑफ स्पीच और डिप्लोपिया ओहो वाले सिम्टम नहीं है आपको चूज करना है कि ओहो अरे अरे क्या होगा अरर तब होगा जब मरीज को कंजेस्टेड कॉप होगा और डिस्पेजिया निगलने में प्रॉब्लम है और खांसी आ रही है मतलब भाई साहब क्या कर रहे हैं भाई साहब एस्पिरेट कर रहे हैं भाई साहब जो है उनको पता ही नहीं चल रहा है खाना पेट की जगह कहाँ जा रहा है ससुरा सांस की नली में जा रहा है बार बार खाना खा रहे हैं कब हो रहा है खाना निगलने में प्रॉब्लम हो रही है ये जानलेवा है और सांस है तो आस है अगर यही रुक गई तो भाई साहब रुक जाएंगे तो ओह वाला प्रॉब्लम है ये ओहो यहाँ पे भाई साहब जो है वो क्या हो जाएंगे निपट जाएंगे दिस इज द करेक्ट वन अगला क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा वेन ए क्लाइंट टॉक विद ए नर्स टॉक विद ए क्लाइंट विद मल्टीपल हु हैज स्लर्ड स्पीच मरीज को स्पीच कैसा हो रहा है स्लर्ड स्पीच हो रहा है बार बार उसका स्पीच जो है वो टूटा टूटा स्पीच आ रहा है तो सवाल कह रहा है कि कौन सा इंटरवेंशन इंडिकेटेड है जब मरीज का स्पीच जो है वो स्लर्ड है तो आपकी तरफ से कौन सी चीज जो है वो इंडिकेटेड रहेगी पहला है एनकरेज द क्लाइंट टू स्पीक स्लोली एनकरेज द क्लाइंट टू स्पीक डिस्टिंक्टली आस्किंग द क्लाइंट टू रिपीट इन इन वर्ड एंड आस्किंग द क्लाइंट टू स्पीक लाउडर वैंड टायर्ड विच इज द करेक्ट वन जब मरीज को बोलने में दिक्कत आ रही है तो कौन सा आपका स्टेटमेंट कौन सा आपका इंटरवेंशन कौनट्रा इंडिकेटेड रहेगा याद रखिएगा रहे जब मरीज को बोलने में दिक्कत आती है तो उसको हम ये इनक्रेज करेंगे कि उसको धीरे धीरे बोलना है धीरे धीरे बोले आराम से बोले धीरे धीरे बोले तोड़ तोड़ के जोड़ जोड़ के बोले आराम से शब्दों को अलग अलग करके बोलें हमें हम 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 सुन रहे हैं तुम आराम से बोलो तुम ज़्यादा फांपू मत करो आस्किंग द क्लाइंट टू रिपीट मरीज को कहेंगे कि जो इनडिस्टिंगबल वर्ड है जिन वर्डों का उच्चारण कर पाना तुम्हारे लिए थोड़ा टप हो रहा है उनको तुम रिपीट कर दो आराम से रिपीट कर करके बोलो लेकिन धीरे धीरे बोलो समझ समझ के बोलो तो मुझे तुम्हारी सब बातें समझ आएगी लेकिन मरीज को कभी भी ये नहीं कहेंगे कि तुम्हें अगर थकान हो रही है तो तुम जोर जोर से बोलो जब तुम थक जाओ तो तुम जो अरे भाई साहब जोर से नहीं बोलाना है उसको स्लो बोलाना है धीरे बोलाना है थका हुआ है बेचारा थका हुआ आदमी जोर से कैसे बोलेगा अत्याचार है ये तो स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक है उसको पूरी छूट है कि वो धीरे धीरे और आराम से बोले तो उसको आराम से बोलने दो धीरे धीरे बोलने दो स्वतंत्रता के साथ में बोलने दो उसको परतंत्र मत करो अगला एक क्लाइंट जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस का है और इस मरीज को एक्सपीरियंस हो रहा है बोवल इनकॉन्टीन बोवल इनकॉन्टिनेंस हो रहा है उसको उसका जो स्टूल है स्टूल जो है उसका वो स्टूल उसका लीक हो रहा है स्टूल लीक हो रहा है उसका एंड इज स्टार्टिंग ए बोवल रिटेनिंग प्रोग्राम उसका स्टूल लीक हो रहा है उसका यूरिन लीक हो रहा है है ना तो अगर उस मरीज के अंदर हम बोवल रिटेन करने का प्रोग्राम करवा रहे हैं कि भाई कैसे तुम्हें स्टूल को होल्ड करना है ये प्रोग्राम करा रहे हैं तो कौन सी स्ट्रेटर्जी जो है वो इनअप्रोप्रिएट रहेगी जब मरीज को स्टूल रिटर्निंग प्रोग्राम की तरफ हम ले जा रहे हैं तो कौन सी स्ट्रेटर्जी इन अप्रोप्रिएट हो होगी ईटिंग ए डाइट हाई इन फाइबर सेटिंग ए रेगुलर टाइम फॉर एलिमिनेशन टेड टॉयलेट सीट एंड लिमिटिंग फ्लूड इनटेक टू वन थाउजेंड एम एल पर डे याद रखना मरीज को बोवल का इनकॉन्टिनेंस है बोवल का इनकॉन्टिनेंस है उसको डायरिया नहीं है फिर बता रहा हूं मैं उसको बोवल का इनकॉन्टिनेंस जरूर है लेकिन उसको डायरिया नहीं है जब उसको डायरिया नहीं है तो फाइबर बंद नहीं करने है यह तो देने हैं डाइट में फाइबर देने हैं याद रखना फाइबर जो होता है वो सिर्फ कॉन्स्टिपेशन का इलाज नहीं है समझ रहे हो मेरी बात को तो यहां पे मरीज को आई फाइबर देना है उसको बोवल इनकॉन्टिनेंस है बोवल को फाइबर हमेशा अच्छा रखते हैं आपकी आंत को बढ़िया रखना है तो आपको फाइबर लेने होते हैं तो फाइबर बंद नहीं करने हैं मरीज का रेगुलर एलिमिनेशन का मेथड सेट करना है ये भी करना है और मरीज में एलिवेटेड टॉयलेट सीट काम में लेनी है ये सही है लेकिन कोई भी मरीज जिसको बोवल इनकॉन्टीन है पानी बंद नहीं करना है फ्लूइड कभी भी लिमिट नहीं करना होता है अगर डायरिया भी हो रहा है तो भी फ्लूइड बंद नहीं करता है।, पानी जीवन है तो जल बंद नहीं करना है यहां पर मरीज का किडनी खराब नहीं है जो एक हजार एमएलई पानी देंगे ज्यादा पानी पिया तो तुम्हें दस्त लग जाएगी ऐसा होता है क्या कभी है ना पानी कभी भी लिमिट नहीं करना है ये चीज जो है वो इनअप्रोप्रिएट कर रहे हो अगर कोई किडनी फेलियर का मरीज है जिसमें यूरिन नहीं आता है उसमें पानी को रोकते हैं लेकिन अगर मरीज को यहाँ पे सिंपल बोवल इनकॉन्टीन हो रहा है तो फ्लूइड कभी भी लिमिट नहीं करते हैं तो फ्लूइड लिमिटेशन इंडिकेटेड रहेगा यहाँ पे इनअप्रोप्रिएट एक्शन है ये नहीं करना है अगला क्वेश्चन सारे नर्सिंग प्रायटी के क्वेश्चन है और एग्जाम में अगर हम कहीं मात खाते हैं तो प्राइटी बेस के क्वेश्चन में मात खा जाते हैं हमें सवाल ही समझ में नहीं आता है हम उसी चीज पे चलता है कि बोल इनकॉन्टीन हो रहा है तो फाइबर बंद कर दो ऐसा नहीं होता है कभी भी थोड़ा दिमाग लगाओ थोड़ा बड़ा सोचो और फिर अपना जवाब दो याद रखना बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है पानी पीने से किसी को दस्त नहीं लगते हैं लेकिन हम दिमाग में ऐसा सोच लेते हैं इसको इल्यूजन कहते हैं और इल्यूजन हमारी असफलता का कारण बनता है और इस साढ़े चार बजे की एमएसएन की क्लास का एक ही संकल्प है कि हम सारे इल्यूजन को एक साइड में करके आपके अंदर एक बेस्ट कंटेंट भरेंगे ताकि आप एग्जाम में बिना इल्यूजन के रैंक के साथ में सेलेक्ट होए यहां पे सिलेक्शन से मतलब नहीं है रैंक से मतलब रखते हैं हम और अगर रैंक का पढ़ के सोचेंगे तो सलेक्शन तो उसका एक छोटा सा नमूना बन जाएगा याद रखना मेरी इस बात को आज बोल रहा हूं जब कोई एग्जाम नहीं है और एग्जाम होगा उस दिन भी यही बोलूंगा और फिर सेलेक्ट होकर दिखाएंगे हम सवाल है आपके सामने कौन सा नहीं है रियलिस्टिक आउटकम रियलिस्टिक आउटकम नहीं है जिस मरीज को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है उसके साथ में हम कौन से आउटकम को रियलिस्टिक नहीं मानते आप लिखिएगा कौन सा आउटकम रियलिस्टिक नहीं है डेवलप जॉइंट मोबिलिटी डेवलप मसल स्ट्रेंथ डेवलप कॉग्निशन और डेवलप मूड एलिवेशन मल्टीपल स्कोलोरोसिस के मरीज का जॉइंट डेवलप जॉइंट मोबिलिटी बिल्कुल आउटकम ये स्टेबलाइज करना ये रियलिस्टिक है क्योंकि इसके मूवमेंट कम होता है तो हमें मूवमेंट कराने हैं ताकि उसके जॉइंट जो है उसका प्रॉब्लम ना हो जॉइंट का बीमारी ना हो अगला लिखा हुआ है डेवलप मसल स्ट्रेंथ तो मल्टीपल स्कोलोरसिस के मरीज में मसल को स्ट्रेंथ देना जरूरी है मसल में स्ट्रेंथ डेवलप करेंगे अगला लिखा हुआ है डेवलप मूड एलिवेशन बिल्कुल करना है इसका मूड थोड़ा गड़बड़ जाता है क्योंकि बीमारी जो है वो लाइफ लॉन्ग की होती है इसलिए थोड़ा डिप्रेस रहता है तो ये सब तो करने हैं लेकिन इस मरीज का कॉग्निशन हमने बोला प्रॉब्लम में जाता ही नहीं है और जो प्रॉब्लम में जाता ही नहीं है तो उसको डेवलप करने का सेंस ही नहीं है तो दिस इज नॉट ए रियलिस्टिक गोल और रियलिस्टिक आउटकम क्योंकि हमारा पर्पज ही नहीं था सी यहां पे करेक्ट आंसर है इसमें कॉग्निशन का अल्ट्रेशन होता ही नहीं है इसमें मेमोरी मरीज का गड़बड़ाता ही नहीं है जब मेमोरी गड़बड़ा ही नहीं रहा है तो उसको ठीक करने का कोई कंसेप्ट लागू होता ही नहीं है अगला है कौन सा इंटरवेंशन शुड द नर्स सजेस्ट टू हेल्प ए क्लाइंट विद मल्टीपल स्क्लेरोसिस अवॉइड एपिसोड ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टीन अगर मरीज को यूरिनरी इनकॉन्टिन हो रहा है अभी हमने पढ़ा था बोवल इनकॉन्टीन हो रहा है अब हो रहा है उसको यूरिनरी इनकॉन्टीनेंस वो पैसा को रोक नहीं पा रहा है बार बार पैसा आ रहा है बूंद बूंद करके आ रहा है तो कौन सा इंटरवेंशन सजेस्ट करता है कि आप मरीज की मदद करेंगे मल्टीपल वाले मरीज में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को अवॉइड करने में कौन सा स्टेटमेंट आपका इंटरवेंशन आपका यहां पे मरीज को फायदा पहुंचाएगा पहला लिखा हुआ है लिमिट फ्लूड इंटेक टू वन थाउजेंड एम एल पर डे इंसर्ट एंड इंडवेलिंग यूरिनरी कैथेटर स्टेबलाइजिंग ए रेगुलर voiding schedule administer prophylactic एंटीबायोटिक as ऑर्डर याद रखना उसको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो रहा है जब मरीज को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है तो फ्लूइड इंटेक को लिमिट करते हैं ऐसा नहीं है मैंने बोला भले ही पैसाब लीक हो रहा हो भले ही बोवल लीक हो रहा हो पानी बंद नहीं करते पानी रिनल फेलियर में बंद करते हैं जब पेशाब बन ही नहीं रहा हो तब तो यह भी गलत हो गया कैथेटर इंसर्ट नहीं करते हैं जब तक पैसा आ रहा हो और अगर आ रहा हो और बार बार आ रहा हो तो बार की तरफ से कॉन्डोम कैथेटर लगा देंगे या जो सेल्फ कैथराइजेशन है के नाइनटी लगा के निकाल देंगे पर यहाँ पे लगातार कैथेटर लगा के नहीं रखेंगे क्योंकि अगर आप इंडवेलिंग कैथेटर लगाते हो जो कि एक फोलिस कैथेटर है लगता है और अंदर ही रहता है तो उससे मरीज में इन्फेक्शन होने की रिस्क बढ़ती है तो कैथेटर को लगा के रखने का कंसेप्ट यहाँ पे गलत है अगला कह रहा है स्टेबलाइज ए रेगुलर शेड्यूल ये तरीका सबसे सही है रेगुलर वाइडिंग शेड्यूल बनाओ तो इन जो है वो कुछ हद तक कम हो जाएगा कहने का मतलब है मरीज को बोलो हर दो घंटे में पैसा कर ले तो क्या लीक क्या होगा जब हम खाली कर रहे हैं बार बार अपना आप से ही वाइडिंग कर रहे हैं तो लीक होने की संभावना कम हो जाती है और प्रॉपर एंटीबायोटिक नहीं देते हैं क्योंकि मरीज को इन्फेक्शन नहीं हुआ है इनकॉन्टिनेंस तो बीमारी की वजह से जिसको मल्टीपल स्कॉलरसिप कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वजह से तो यहां पे करेक्ट आंसर सी बनेगा ए बी ओ डी तीनों ही गलत जवाब है अगला क्वेश्चन एक मरीज है मल्टीपल स्कॉलरसिप का लिव्स विद डॉटर एंड थ्री ओल्ड ग्रांड डॉटर द डॉटर आस्क द नर्स वाट सी कैन डू एट होम टू हेल्प हर मदर विच ऑफ द फॉलोइंग मीजर्स वुड बी मोस्ट बेनिफिशियल मतलब वो डॉटर पूछ रही है कि वो ऐसा क्या करें कि इस बीमारी में उसकी मदर को कुछ मदद हो ऐसा उसको क्या करना चाहिए साइकोथेरेपी रेगुलर एक्सरसाइज डे केयर फॉर द ग्रांड डॉटर वीकली विजिट बाय अनोदर पर्सन विद मल्टीपल स्क्लेरोसिस मतलब इस बीमारी में घर पे ऐसा क्या करवाया जाए कि मरीज को थोड़ा बहुत फायदा पहुंच सके जवाब लिखे भाई क्या करना होता है मल्टीपल स्कॉलरशिप लिव विद डॉटर एंड थ्री ओल्ड ग्रांड मदर डॉटर आस्क द नर्स वाट सी कैन डू एट होम टू हेल्प अर मदर क्या करना चाहिए सिंपल है बहुत सिंपल है क्या बात है वेरी गुड घर पे उसको रेगुलर क्या करवानी है एक्सरसाइज करवानी है क्योंकि उस खुद में तो वीकनेस है वो कर नहीं पाएगी तो मोबिलिटी जो है वो अफेक्ट होगी अगर उसको लगातार एक्सरसाइज करवाते हैं मोबिलाइज करवाते हैं लगातार मूवमेंट होगा ज्वाइंट के मूवमेंट होंगे तो उसको परमानेंट डिफेक्ट नहीं होंगे नहीं तो परमानेंट डिफेक्ट होने की रिस्क वहां पर बढ़ती है तो अगर आप परमानेंट उसमें कोई डिफेक्ट होने से रोकना चाहते हो तो घर पे उसको रेगुलर क्या करवाओ रेगुलर उसको एक्सरसाइज करवाओ ये वहां पे सजेशन बेस्ट सजेशन है अगला लिखा हुआ है कि एक एडल्ट वुमन है जो मल्टीपल स्क्स के है और नर्स से पूछ रही है व्हाई सी डेवलप मल्टीपल ये ससुरी मेरे को हुई क्यों ये वहां पे पूछ रही है तो आपका क्या रेस्पॉन्स होगा ये मल्टीपल स्कॉलरशिप क्यों हुआ है देखो मेरे लाले अगर आपने पूरे सेशन को दिमाग से और मन लगा के समझाए तो इन सवालों के जवाब देने में अब आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए और अगर आप सही जवाब दे रहे हो इसका मतलब आप सीख चुके हो पहले गलत जरूर हो रहे थे अब गलत नहीं होंगे क्योंकि अब मैं सीख चुका हूं किसी ने बड़ा खूब कहा है कि मैं जब भी किसी टारगेट को बनाता हूं तो या तो मैं जीतता हूं या मैं सीखता हूं हारता नहीं हूं कभी भी तो या तो हम जीतेंगे या हम सीख जाएंगे है नहीं? तो यहां है हम क्या कहेंगे ऑटो कहेंगे इम्यून कंडीशन है मल्टीपल स्कॉलरसिस जो है वो एक ऑटो इम्यून कंडीशन है तुम्हारे लिए अब यह सवाल देखिएगा बड़ा कंडीशन बेस का क्वेश्चन है और जो आप सवाल पूछा हुआ है कि एक क्लाइंट डायग्नोस हुआ है इस बीमारी का और वो क्राई कर रहा है रो रहा है पूछ रहा है मी आई डू एनीथिंग डिजर्व दिस मुझे क्यों हुई मैं ऐसी बीमारी मेरे को क्यों हुई मैं मैं ये डिजर्व नहीं करता हूं वाई मी मुझे क्यों हुई ये मरीज का प्रॉब्लम है विच इज दर्स मोस्ट थेराप्यूटिक रेस्पॉन्स आपका क्या रेस्पॉन्स होगा क्लाइंट इज आस्किंग यू वाई मी आई डिट नॉट डू एनी थिंग टू डिजर्व दिस मैंने तो ऐसा कुछ बिगाड़ा ही नहीं किसी का मैंने तो किसी को कभी रेकारा ही नहीं दिया मैंने तो किसी को कोई प्रॉब्लम में डाला ही नहीं मैंने किसी का बुरा ही नहीं किया तो मैं तो यह बीमारी डिजर्व नहीं करता हूं ऐसी खराब बीमारी मुझे ससुरी कहां से हुई आपका क्या रेस्पॉन्स होगा वाई आर यू क्राई द मेडिकेशन विल हेल्प द डिजीज क्यों क्यों चिल्ला रहे हो इतना यह दवाइये मदद करेगी ना तुम्हारी दूसरा this must be difficult for you would you like to talk about your feelings हाँ, ये तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल है लेकिन क्या तुम अपनी फीलिंग बताना पसंद करोगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज अ डिजीज दैट हैज गुड टाइम एंड बैड टाइम एक बीमारी है जिसमें रिमिशन और एक्सर्सेर्बेशन होता है तो कभी अच्छा समय आएगा तुम्हारी जिंदगी में कभी बुरा समय आएगा ऐसा इस बीमारी में होगा आई विल हैव द चैपलिन कम एंड स्टे विद यू फोर ए वाइल आई विल है चैप्लेन कम एंड स्टे विद यू फोर ए वाइल मैं ऐसा कुछ इंतजाम करूँगा कि मैं कुछ दिन तक तुम्हारे साथ में स्टे करूँ और तुम्हारी समस्या का समाधान करें वाट इज़ द करेक्ट वे याद रखे इस तरीके के क्वेश्चन जब भी होते हैं जिसमें आपका थेराप्यूटिक रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए तो हमेशा मरीज़ कह रहा है कि मेरे को ये बीमारी क्यों हुई मैंने तो कुछ बिगाड़ा ही नहीं तो आप उससे पूछे कि आप इतना चिंतित क्यों हो रहे हो क्या समझते हो आप बीमारी के बारे में और आपको क्या लगता है आगे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी ऐसी क्योंकि बीमारी से कोई मरता तो है नहीं तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी उन्हें ये पूछो मतलब हमेशा क्या करना है आपको हमेशा आपको ओपन हैंडेड क्वेश्चन पूछना है बिल्कुल सही है आपको हमेशा उसको क्वेश्चन करना है क्वेश्चन ओपन हैंडेड क्या आप अपनी फीलिंग बताओ कोई भी आदमी जब दिक्कत में होता है जब रोता है जब घबराता है जब चिल्लाता है तो हम हमेशा उससे यही पूछते हैं कि भाई समस्या क्या है ये तो बता दे फिर भी रोता है बोले अरे बताएगा नहीं लाले तो पता कैसे चलेगा बता तो दे तो यहाँ पे बताने के बारे में हम पूछते हैं उसको तो हमेशा उसको समस्या पूछे उसकी समस्या को ओपन एंडेड क्वेश्चन लेके पूछे और वो जवाब देगा तो हमें बीमारी के बारे में समझने में आसानी होती है मरीज के साथ में थोड़ा रिलेशन स्टेबलाइज करना होता है उसके जवाब क्वेश्चन को सुन के जवाब दे समझना होता है स्टेटमेंट बाई ए क्लाइंट with मल्टीपल sclerosis इंडिकेट टू द नर्स दैट द क्लाइंट नीड फर्दर टीचिंग ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि मरीज का कौन सा स्टेटमेंट ये बता रहा है आपको कि मरीज को और समझाने की जरूरत है ससुरा थोड़ा गलत समझ रहा है ए, फिर की ले रहा थोड़ा गलत ट्रैक पे है तो उसको सही ट्रैक पे लाने के लिए और क्या करने की जरूरत है पहला है आई यूज ए स्ट्रो टू ड्रिंक लिक्विड मैं लिक्विड को पीने के लिए स्ट्रो का सहारा लूंगा सही राह पे है सही बोल रहा है इसमें समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पे निगलने में थोड़ा दिक्कत होता है तो स्ट्रो से आराम से उसका मामला चल जाएगा आई विल टेक ए होट वाट टू हेल्प रिलैक्स माई मसल मसल को रिलैक्स करने के लिए आज तो मैं गर्म गर्म पानी से लाऊंगा अरे मैंने कहा ब्रेक लगा भाई ब्रेक लगा तेरे को तो सेंसेशन गड़बड़ा चुके हैं सारे तेरे को गर्म सर्द का पता ही नहीं चलेगा कई जल जुल गया बल बुल गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा बुलबुले हो जाएंगे पूरे शरीर पे तुम गर्म पानी से मत ना हो क्योंकि तुम्हारे लिए गर्म और ठंडा पानी एक ही है, है। तुम्हें ना तो ठंडे गर्म का कुछ पता नहीं चलता है तुम्हारे ऊपर तो ठंडा डालेंगे तो भी वो पानी है ना गर्म डालेंगे तो भी वो पानी है मरीज को यहाँ पे सेंसेशन गड़बड़ा जाते हैं उसको हॉट कोल्ड का पता ही नहीं चलता है तो कोई भी पानी डालो क्या फर्क पड़ता है इसलिए तुम्हें गर्म पानी से नहीं नहाना है भाई ये 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 खोटे काम तुम्हें नहीं करना है आई प्लान टू यूज एन इनको पैड बिल्कुल पैड को यूज करो ताकि यूरिन स्टूल का लीकेज हो रहा है तो कपड़े खराब नहीं होंगे यू कैन यूज ए पैड आई मे बी better. आज मेरा समय बुरा है लेकिन कल अच्छा होगा ये मुझे पता है बिल्कुल सही पॉजिटिव सोच का बंदा है ये एक दिन एग्जाम की खोपड़ी के बीचों बीच छेद करके आएगा यह लाइन बहुत अच्छी है आप सब इस लाइन को फॉलो कर सकते हो कि आई मे बी हैविंग ए रफ टाइम नाउ आज मेरा समय गड़बड़ है आज मेरा समय साथ नहीं दे रहा है बट होप टूमारो विल बी बेटर ये हम सबको सोचना चाहिए जब भी जिंदगी में परेशानी आए आज परेशानी है और नथिंग इज परमानेंट याद रखना एक लाइन है बहुत बेहतरीन लाइन है कि नथिंग इज परमानेंट परमानेंट कुछ भी नहीं होता है समय में बहुत ताकत है और समय बदलता है तो सबको बदल के रख देता है नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ आज दिन है तो कल रात होगी आज रात है तो कल दिन होगा सिक्के के दो पहलू होते हैं इस बात को ध्यान रखना तो एक मजेदार सेशन मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है होने के कारण क्या है इसका क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा क्लिनिकल साइंस समझे डायग्नोस्टिक टेस्ट को पढ़ा ट्रीटमेंट के बारे में बात की और नर्सिंग प्रायोरिटी के सारे क्वेश्चन हमने डील किए और आई होप मल्टीपल स्क्सिस आपको क्लियर हो गया होगा तो इस शानदार जानदार और धमाकेदार डिजीज को देते यहीं पर विराम अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नई बीमारी के साथ में और बीमारी होगी पेरीप्रल नर्वस सिस्टम की और नाम होगा उसका गुलन बेरी सिंड्रोम तो इस, इस स्पेशल संडे को एक इस स्पेशल और बहुत जबरदस्त वाली बीमारी हमने समझी सेशन कैसा लगा वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना शानदार सुझाव देना बिल्कुल ना भूले हम मिलेंगे एक नए सेशन के साथ में लेकिन जाने से पहले किसी ने बड़ा खूब कहा है कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता अपने संकल्प को हमेशा याद रखना हमारा संकल्प है रोज शाम को साढ़े चार बजे पढ़ना लाइव जुड़ना सारे क्लास को अटेंड करना ताकि हमारा जो आखिरी संकल्प है उसको पूरा कर सके तो जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता हार को लक्ष्य से दूरी रखना मेरे दोस्त हार को लक्ष्य से दूरी रखना मेरे दोस्त क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता और हम पैदा हुए जीतने के लिए सोगंध महादेव की जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं तो फिर मिलते हैं दोबारा एक नए शानदार जानदार सेशन के साथ में कल शाम को टीम ठीक साढ़े चार बजे करेंगे कुछ और धमाकेदार क्वेश्चन के साथ में डील एक नई बीमारी को लेके तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय महाकाल